हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द मास्टर क्लास ऑफ हाउ टू राइट एंड पब्लिश योर बुक। आपकी बुक को कैसे, आप जो भी बुक लिखने वाले हो उसको कैसे राइट करें, मतलब छोटे से लेके छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी बात, अपनी बुक को कैसे राइट करें और कैसे उसको पब्लिश करें, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। और बहुत सारी बातें देखो, अगर आप कभी बुक लिखने वाले हो या फिर आप कभी फ्यूचर में लिखोगे, इस वर्कशॉप को आपको क्यों अटेंड करना चाहिए मैं आपको बता दूँ। अगर आप फ्यूचर में कभी भी बुक लिखने वाले हो या फिर आप आपकी बुक लिख रहे हो या फिर लिखना शुरू करने वाले हो या आपकी इच्छा है कि आप बुक लिखोगे या फिर आप बुक लिख रहे हो, तो इस वर्कशॉप को पूरा अटेंड करें, पूरा देखें हर एक इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन। बहुत से लोग इस इन्फॉर्मेशन के जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये करीबन 3 से 4 घंटे चलेगी, और इस 3 से 4 घंटे में जो भी आपको सीखने को मिलने वाला है मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको आप जो भी आपको कोर्स चार्ज करते हैं 15-20 हज़ार रुपये वाले जो कोर्स आपको चार्ज करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वर्कशॉप में मिल जाएगी। A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस मास्टर क्लास में मिल जाएगी। 4 घंटे आप पूरा देखना, और मतलब ये जो भी आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो उसको पूरा देखना, ठीक है। और मेन टॉपिक आपको मैं बता दूँ इस एपिसोड में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो, पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाउ टू राइट एंड पब्लिश योर बुक, आपकी बुक को कैसे राइट करें और कैसे पब्लिश करें, ये बात तो हम बात करेंगे, ठीक है। पर इसके बाद मेन टॉपिक क्या क्या बात है, अगर इसमें से आपको कोई भी टॉपिक हो तो आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बुक राइटिंग। बुक राइटिंग का स्कोप और इम्पोर्टेंस क्यों है, हमको क्यों बुक लिखना चाहिए, क्योंकि हमारा ये भाई क्लियर नहीं होगा ना तब तक हम कभी भी बुक नहीं लिख पाएंगे, और ये हमारा इम्पोर्टेंस पता नहीं होगा ना तब तक हमको कभी भी सीरियस नहीं होंगे बुक लिखने से रिलेटेड। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमको बुक क्यों लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें पहला तो हम यही बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट दैट स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग बुक। देखो, ये जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, पिछले 1 महीने से इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। रिसेंटली मैंने मेरी बुक भी पब्लिश की है, हाउ टू बीट योर हैबिट्स। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम कैसे बुक लिख सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या सीरीज रहती है, कैसे हम बुक राइट कर सकते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको हर एक चीज़ मिलने वाली। पिछले 1 महीने से इस कंटेंट पे मैं वर्क कर रहा था, जो आपको आज फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला ये, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, इसका ये मतलब नहीं है, ये फ्री कंटेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वैल्यूएबल नहीं है, ये बहुत वैल्यूएबल है, जो आपको आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है। और अगर आप इस फील्ड में आप कभी भी अपर ना करियर बनाओगे ना, तो ये आपका उस करियर बनाने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा, और आप इससे लाखों रुपए कमा सकते हो अगर आप एक सही तरीके से इस कंटेंट को सीरियस लेते हो और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, अगर बुक लिखने वाले हो किसी भी जॉनरा से रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट अपन बात करेंगे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बुक राइटिंग, ठीक है। सेकंड, हाउ डू यू चूज आ बुक कैटेगरी। देखो, बुक कैटेगरी बहुत सारी बुक कैटेगरी हैं, उनमें से आपको किस कैटेगरी में बुक लिखना है, बहुत सारी बातें भी हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। और आगे बात करते हैं ऑन विच टॉपिक यू शुड राइट बुक, किस टॉपिक पे आपको बुक लिखना चाहिए, किस टॉपिक पे, ठीक है। साइंस फिक्शन लिखना चाहिए, या फिर मोटिवेशन से रिलेटेड लिखना चाहिए, या फिर आपको एडवेंचर से रिलेटेड लिखना चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो वो लिखना चाहिए, वो सारी बातें भी बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ जो होने वाला है, फोर्थ सेक्शन में तो हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट राइटिंग अ बुक, कैसे हम अपनी बुक को लिखना अभी से चालू कर दें, ठीक है, ये भी बात करेंगे। हर एक सेक्शन पे हम बात करें, करीबन हर एक सेक्शन पे 30-30 मिनट की क्लास होगी, हर एक बात करेंगे 30-30 मिनट की, हर एक चीज़ को जाएगा टाइम, ठीक है। और हाउ टू सेल योर बुक्स, और अपनी बुक को कैसे सेल करें, नहीं वो उससे पहले आएगा 5th, हाउ टू पब्लिश योर बुक, और फिर आप कैसे अपनी बुक को पब्लिश करें, अमेजोन के थ्रू करें, या फिर कैसे हम सेल्फ पब्लिश करें, या फिर पब्लिशर से हाउस से पब्लिश करवाएं, या किसी पब्लिशर के पास जाके बुक पब्लिश करवाएं, तो ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपने बुक पब्लिश भी करा ली, तो आप किस तरीके से, कितने तरीके से आपकी बुक सेल कर सकते हो, जैसे मैंने मेरी बुक सेल करी, आपकी बुक कैसे सेल कर सकते हो, ठीक है।
ये सारी बातें हम जानेंगे इस मास्टर क्लास में। बहुत डीपली कंटेंट होने वाला है, बहुत आउटस्टैंडिंग होने वाला है। मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस कंटेंट को देखते हो, मैं ये गारंटी लेता हूँ आपको बुक से रिलेटेड, बुक राइटिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप कभी भी आपकी लाइफ में बुक पब्लिश करोगे, आसानी से आप आपकी लाइफ में वो बुक पब्लिश कर पाओगे। ठीक है, ये सब कुछ सीखने को मिलने को वाला है, वो भी जस्ट बिकॉज फ्री। ठीक है, तो हम करेंगे स्टार्ट स्कोप एंड, और मैं ये नोट्स यूज़ करने वाला हूँ। ये मेरी बहुत मेहनत लगी है, जो सारी इन्फॉर्मेशन, अगर मैं आपको इन नोट्स को का यूज़ नहीं करूँगा तो मैं आपको क्लियरली टू द पॉइंट स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं कर पाऊँगा, और स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं कर पाऊँगा तो फिर क्या मतलब। तो ये सारा नोट्स मैं यूज़ करने वाला हूँ, और आप जो भी अभी देख रहे हो ना, तो आर यू एक्साइटेड फॉर द सेशन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आर यू एक्साइटेड फॉर द सेशन? इफ यस देन से यस, कमेंट मतलब चैट बॉक्स में लिखो यस 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 या सुमित, सुमित बोल रहा है आई एम सुपर एक्साइटेड, या लेट मी सी द कमेंट्स, या सुमित आई एम सुपर, या यू आर सुपर एक्साइटेड, अमित या सुपर एक्साइटेड, ओके या कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो करते रहिए और बहुत सारी बातें भी करेंगे, और मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहूँगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा तो आप बताते रहना। ठीक है, तो अभी अपने पास दो कैमरा है, एक ये और एक यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अपन सारी जो भी स्क्रीन है वो मुझको मेरे लैपटॉप पे दिख रही है, तो थोड़ा आई डिस्कनेक्ट हुए तो कुछ टेंशन मत लेना, थोड़ा उधर भी फोकस रहेगा। ठीक है, तो इससे कोई टेंशन मत लेना, और मैं हर एक बात को आपको क्लियर करते जाऊँगा। ठीक है, फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू राइट योर बुक के बारे में। ठीक है, अपना टॉपिक लिख लेते पहले। हाउ टू राइट एंड पब्लिश योर बुक भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू राइट एंड पब्लिश योर बुक, तो इसके बारे में हम बात करें तो फर्स्ट टॉपिक भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाई टू राइट अ बुक। व्हाई टू राइट, कैसे क्यों हमको अपनी बुक को लिखना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग बुक, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बुक, राइटिंग योर बुक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सबसे आसान तरीका कि यू विल मेक मनी, आप पैसे बनाओगे। फर्स्ट कि आप पैसे बनाओगे, कि अगर आप बुक राइट करने का सबसे इम्पोर्टेंस क्या है कि आप लाइफ में अपने, देखो एक बार बुक लिखी होगी और उससे आप लाइफ टाइम रुपये कमा सकते हो, इट विल बी अ पैसिव इनकम फॉर यू, और आप इससे बहुत ज़्यादा रुपए कमा सकते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अर्निंग लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ मनी थ्रू राइटिंग बुक्स, और अभी तो ई बुक का भी आप ट्रेंड देख लो कि ई बुक पे बहुत सारे अपने पास एग्जांपल हैं। एक वूमेन है, अमेरिकन वूमेन, ठीक है, तो उन्होंने लगभग 50 से ज़्यादा बुक लिखी हैं, और उन्होंने करीबन 3 से 4 मिलियन डॉलर रुपये अर्न किए हैं, वो भी ई बुक के थ्रू अमेजोन पर, नॉट बाय पब्लिशिंग हार्ड कॉपी, जस्ट बाय ई बुक से उन्होंने इतने रुपए अर्न किए हैं। जो भी आप मोटिवेशनल पेजेस देखते हो ना इंस्टाग्राम पर, तो वो उनके एक एक मिलियन, दो दो तीन तीन मिलियन फॉलोअर रहते हैं, और सिर्फ वो पोस्ट करते हैं मोटिवेशनल पोस्ट, तो वो भी उनका एक रहता है कि हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर कैसे ग्रो करें और कैसे रुपये कमाएँ इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो वहाँ पर भी उनका वो ऑप्शन रहता है ना, तो वहाँ से वो बहुत ज़्यादा रुपये अर्न करते हैं, तो वो, और एक बुक की भी उनकी एक उसकी करीबन कुछ ई बुक की प्राइस वो $10 रखते हैं, तो कुछ की $100 कि इंस्टाग्राम से कैसे रुपए कमा सकते हो, कैसे अपने पेज को ग्रो कर सकते हो सिर्फ उसी ई बुक के, और उससे भी वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करते हैं, ई बुक की बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बुक के लिए आप तो एग्जाम्पल देख लो, रिच डैड पुअर डैड, हैरी पॉटर, जेके राउलिंग बिकेम अ बिलियनर बाय राइटिंग बुक। हैरी पॉटर की आप जानते ही हो, क्योंकि हैरी पॉटर को आप हर एक तरीके जानते हो, पहले वो बुक आई थी और फिर उसके बाद उस पर, उस बुक पर मूवीज़ भी बनी, 41 टाइम रिजेक्टेड हुई थी पर 42 टाइम सिलेक्टेड हुई थी, और उसने इतिहास रच दिया था उस बुक ने, उस बुक के इतने ज़्यादा फैन हैं,
हर एक बंदा जानता है हैरी पॉटर बुक के बारे में, अगर आप नहीं जानते तो आप जानिए, पढ़िए उस बुक को, बहुत शानदार है। मतलब वो साइंस फिक्शन से रिलेटेड है, मतलब फैंटेसी से रिलेटेड है, तो वो बुक बहुत शानदार है। तो एक आपका आइडिया, मैं ये नहीं बोलता कि आप सेल्फ हेल्प बुक ही रखो, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से बुक रिलेटेड बुक लिखो, आप फैंटेसी से रिलेटेड लिख सकते हो, जो भी आपका ड्रामा हो, एडवेंचर से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा कैटेगरी है, वो कैटेगरी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट यू विल मेक मनी, और इतने बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कहते हैं बुक से रुपये कमाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या ये? और अभी आओगे, अभी तो ये तो मैंने फर्स्ट ही इम्पोर्टेंस बताया बुक को लिखने के लिए। आर यू एक्साइटेड? तो चैट बॉक्स में लिखो एक्साइटेड, से या एक्साइटेड, या आई एम सीइंग एवरीवन, या रितेश, या पूजा, या एवरीवन, या आई एम लिसनिंग टू यू, या एवरीवन इज सेइंग एक्साइटेड एक्साइटेड। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट देखो, आप अगर आप लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो उसको आप जब तक काम करोगे तब तक ही रुपए कमा पाओगे। पर बुक का एक ऐसा नियम रहता है कि आपने एक बार बुक लिख दी पर उसके बाद हमेशा लाइफ टाइम के लिए वो आपके अर्न करके देगी, आपको लाइफ टाइम के लिए रुपए आप उससे अर्न कर पाओगे, उस बुक से। एक बार लिख दी और आपको लाइफ टाइम के लिए रुपए आएंगे। तो बुक से बुक लिखने का सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई वी शुड राइट अ बुक, तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं वो बताऊंगा कि एक मान लो कि आप उससे रुपए कमा सकते हो, ठीक है। सेकंड दैट इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी, जैसे इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी, तो सेकंड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी। एंड ऑथोरिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो आप कुछ भी काम कर लो, आपको आप बुक कहते हैं यूट्यूब पे चैनल बना लो, ठीक है, आपको यूट्यूब पे चैनल बना लो, आपके इंस्टाग्राम पे फॉलो होगा, उतनी ऑथोरिटी और क्रेडिबिलिटी आपको उससे नहीं मिलेगी। आपके अगर 10 के फॉलोअर हैं या फिर आपके जो भी हैं यूट्यूब पर 10,000 सब्सक्राइबर हैं, 50,000 सब्सक्राइबर हैं, बहुत टाइम लगता है उस चीज़ में, ठीक है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें वीडियो एडिटिंग करना पड़ता है, उसमें बहुत लंबा करियर है, उससे भी उतनी अथॉरिटी मिलती है। पर जैसे ही आप आपकी बुक लिखते हो तो आप दुनिया के 95% लोगों से अलग हो जाते हो, और 99% लोगों से अलग हो जाते हो, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही बुक लिखते हैं, और वो उससे भी कम लिखते हैं बुक। और तो इस कारण से आप हजारों करोड़ों लोगों से, अरबों लोगों से आप अलग हो जाओगे इंस्टेंट, आप 1% लोगों की कैटेगरी में आ जाओगे, क्योंकि सिर्फ 1% लोग ही बुक लिखते हैं, और जो बुक लिखते हैं वो फेमस तो नहीं बोलूँगा कि वो रुपए अर्न करते हैं, और आप उन कैटेगरी से उन लोगों से हटके जाओगे जो कभी बुक लिखते नहीं वो, और बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप उस कैटेगरी में आ जाओगे जो बुक लिखते हैं, तो आप उनसे तो आगे आ ही गए, ठीक है। तो फर्स्ट मैं यही बोलूँगा कि आपके पास ऑथोरिटी आ जाएगी, इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी और ऑथोरिटी आपके पास आ जाएगी, आप ऑथर बन जाओगे, और लोग आपके पास अप्रोच करना चालू करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब मेरी बुक पब्लिश की थी फर्स्ट ईयर में, कि मैंने 12th पास की थी, पर उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। मैं तब मैं 3-4 साल से बुक लिख रहा था, मेरा आइडिया कॉन्सेप्ट था कि मैं फ्यूचर में आगे चल के आज से 10 साल बाद 12 साल बाद बुक लिखूंगा, पर मैं कुछ आइडिया जनरेट करते जा रहा था, ठीक है। मैं सोचते जा रहा था, हाँ मैं डायरी लिखता था, मेरी डायरी यहाँ पे नहीं रखी, वो उधर रखी है, तो अभी उसको नहीं लाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं 2017 से डायरी लिख रहा था, और जो भी मैं कुछ नया सीखता मैं उस डायरी में लिखता था कि मैंने इस बुक से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं, इस बुक से ये लिखी हैं, ठीक है। तो ऐसे कर करके मुझको बहुत सारी नॉलेज हुई, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका था, ठीक है। तो फिर मैंने जैसे ही मेरी बुक पब्लिश हुई ना, तो मेरे पास इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी आ गई, ठीक है। तो लोग मुझको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, ठीक है आपको ऑटोमेटिकली आप ऑफर लेना ऑफर आना चालू हो जाएंगे आपके पास, पब्लिक असाइनमेंट आने लगेंगे, लोग आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। आप उन आपको स्कूलों में बुलाया जाएगा, कॉलेजों में बुलाया जाएगा बोलने के लिए। अब जैसे जैसे आपके पास क्रेडिबिलिटी आती है, अथॉरिटी आती है, अब जैसे कि मैं किसी से बंदे का इंटरव्यू लेता था ना, तो जैसे कि मैंने बुक पब्लिश करने से पहले और बुक पब्लिश करने के बाद का, ठीक है। तो मैं बुक पब्लिश करने से पहले मैं लोगों से बात करता था, तो लगो अब मैं उनसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करूँगा, ठीक है। उसके बाद
मैं उनके ईमेल पे मैसेज करूँगा, ठीक है, लिंक्डइन पे भी मैसेज करूँगा। तो मुश्किल से जहाँ पे रेशो था, मैं बताता हूँ, 10 में से 3 और 2 लोग मुझको रिप्लाई देते थे और कम ही लोग रिप्लाई देते थे। पर जैसे ही मैंने बुक पब्लिश की उसके बाद सडन चेंज, यूं चेंज, जैसे कि मैंने बुक पब्लिश की और कुछ दिनों बाद जब मैंने बुक के पोस्ट डाले, बुक से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट डाला मेरी उस पर, उसके क्या नाम है, यूट्यूब चैनल पे भी और मेरे इंस्टाग्राम पे भी, लिंक्डइन पे भी, तो यहाँ पे मैंने डाला। और ऑथर, एक बहुत बड़ा टैग रहता है ऑथर, बुक लिखने वाला, तो वो टैग मुझको मिला। तो उसके बाद इंस्टेंटली पीपल आर मीन सडन आर यू चेंज, कि मैं लोगों बात करता था, उनसे बात करता था किसी शो से रिलेटेड या फिर कोई कोलेब्रेशन से रिलेटेड या फिर कोई मुझको आंसर चाहिए होता कि आप कैसे कर रहे हो, क्या ग्रोथ है, तो मुझको जैसे कि मैं 10 लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं 10 लोगों को मैसेज कर रहा हूँ, तो वहाँ से 7 से 8 लोगों के मैसेज आ जाते थे। तो ये चेंज आता है। अभी रिसेंटली मेरे पास, मैंने कुछ लोगों को इंटरव्यू किया है, उनके इंस्टाग्राम पे कुछ 50,000 फॉलोअर हैं या लिंक्डइन पे भी अच्छे खास फॉलोअर हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं उनके, कुछ लोगों के 20-25 हज़ार हैं, कुछ लोगों के लाखों, एक लाख सब्सक्राइबर भी हैं। तो एक कैसे अंतर आता है, बहुत से लोग दे आर मिलियनर, दे आर मल्टी मिलियनर, मैंने उन लोगों को भी इन्वाइट किया है, उनके साथ इंटरव्यू किया है और उन्होंने बुक भी लिखी है, कुछ लोगों ने बुक भी लिखी है, तो मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया है। तो मुझको एक चेंज लगा मेरी पर्सनालिटी में, जब मैं उनको वैसे अप्रोच करता था और वैसे अप्रोच करता था, मतलब अब ऑथर बनने के बाद अप्रोच किया, तो एक सडन चेंज आया। तो वो उसी कारण से आया, क्योंकि मुझको रिस्पॉन्स मिलने लगा कि मैंने बुक लिखी है, कोई ऐरा गहरा बंदा नहीं है, मतलब उठाई गहरा। तो ये मैं आपको अपनी लैंग्वेज बता रहा हूँ, मतलब जो गाँव की लैंग्वेज रहती है, आप थोड़ा अपने आप से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँ कि आपके पास एक ऑथोरिटी आ जाती है, ठीक है, आपको लोकल लेवल पे उतनी ज़्यादा पब्लिशिंग नहीं मिलेगी, उतनी ज़्यादा ऑथोरिटी नहीं मिलेगी जितनी आपको, मतलब ग्लोबल लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर आपको वो ऑथोरिटी मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जहाँ पर रह रहा हूँ, मैं मेरे विलेज में हूँ आज, तो इसी कारण से अपन को इस माइक से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। वैसे अपन वायरलेस माइक है उससे रिकॉर्ड करते, या फिर वो वाले माइक से रिकॉर्ड करते, वो मेरा इंदौर रखा है, तो इस कारण से अपन उस माइक से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इस कारण से अपन इसको, उस माइक को लेना पड़ रहा है, तो आपको इसकी में भी आपको आवाज़ क्लियर आई, ठीक है। तो मेरे गांव के लेवल पे मुझको इतनी ज़्यादा ऑथोरिटी नहीं मिली, मतलब बहुत कम लोग मैंने बताया, और जो समझदार होते हैं वो उन्हीं को लगते हैं कि हाँ वो अप्रिशिएट करते हैं, और ज़्यादातर लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। पर जैसे ही बाहर, जैसे कि गुजरात, मुंबई, मतलब आफ्टर पब्लिशिंग बुक, पीपल कॉलिंग मी फॉर इंटरव्यू, पीपल स्कूल आर कॉलिंग मी फॉर इंटरव्यूज़, जो भी मैंने बात की, ठीक है, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्स आने लगता है, लोग भी कनेक्ट करना चालू करते हैं कि आपने कैसे बुक पब्लिश की, और मतलब यूपी से भी कांटेक्ट हुए, एक शिवम नाम का बंदा है, मतलब शिवम नाम का स्टूडेंट है, तो उसने भी बुक पब्लिश किया, अरे वो उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, मैं उसको जानता नहीं था। तो एकदम सडन चेंज आता है आपकी पर्सनालिटी में। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक आपको इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी और ऑथोरिटी मिल जाती है आप जैसे ही बुक पब्लिश करते हो, इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको नेशनल लेवल मिल जाएगी। तो कुछ गुजरात से भी दोस्त हैं, ठीक है, और मेरे अभी जो रिसेंटली बन रहे हैं, मेरी जो जब से मैंने बुक पब्लिश की है और अब तक मुझको एक बड़ा चेंज आया है, जितने मेरे कभी भी रिलेशनशिप नहीं बने, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर नहीं बढ़े थे इतने, ठीक है, और ये इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मुझको कहीं से भी नहीं मिल रहा था, लोग मुझसे उस लेवल से बात नहीं करते थे, जो अब हर एक चेंज आ जाता है आपकी पर्सनालिटी में, आपके आपसे लोग अच्छे से बात करने लगते हैं, ये भी एक चेंज आता है। लोग अपने आप, उनका थिंकिंग मेंटेलिटी रहती है ना आपके बारे में, वो सब कुछ बदल जाती है बुक के कारण, आपको इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी और ऑथोरिटी मिलती है। सेकंड, क्वालिटी फैन बेस, आपको क्वालिटी फैन बेस मिल जाता है जैसे ही आपने बुक पब्लिश की, तो ये भी एक मोस्ट बहुत बढ़िया बेनिफिट है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया आपकी लाइफ में, तो अगर आप कॉलेज में हो या फिर आप बुक लिखना चाहते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कदम अगर 35 साल के हो, 40 साल के हो, 45 साल के हो, अगर आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी लाइफ में नहीं किया ना, तो अगर आप बुक लिखोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली क्वालिटी फैन बेस मिल जाएगा।
तो जैसे ही आपकी बुक का प्रमोशन करोगे, लोगों से कनेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट रीज़न है कि क्वालिटी फैन बेस। वैसे आप बहुत कुछ करोगे ना, बहुत कंटेंट डालोगे, बहुत। मैंने क्या किया है, मैं आपको बताता हूँ कि मुझको इतनी ज़्यादा ऑथोरिटी और इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिली। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर 150 से ज़्यादा वीडियो डाल रखी है, जो मेरा बी आर जद्दी मोटिवेशनल स्पीकर करके है, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर मैंने 150 से ज़्यादा वीडियो डाल रखी है। उतनी ऑथोरिटी मुझको यहाँ पे नहीं मिली जितनी मुझको ऑथोरिटी मिली है मेरी बुक को पब्लिश करने के बाद। ये 150 वीडियो से कुछ नहीं मिला, जो मेरे अभी 1.5 हज़ार सब्सक्राइबर है ना, जो उससे मैं इतने रुपए अर्न नहीं कर पाता, मैं उससे कुछ भी नहीं अर्न कर पाता एक टाइप से बोलूँ तो, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा मुझको ऑथोरिटी यूट्यूब चैनल से नहीं मिली, मेरे इंस्टाग्राम से नहीं मिली। मैंने एक और इंस्टाग्राम पे भी मैंने बहुत ज़्यादा रील अपलोड की थी, लगभग 300 से ज़्यादा मैंने रील्स अपलोड की थी, और मतलब और भी पोस्ट बनाई थी मैंने। करीबन करीबन 4 से 5 इंस्टाग्राम अकाउंट रन किए थे, एक मोटिवेशन से रिलेटेड, एक मोटिवेशनल पेज था, ठीक है, एक मेरा मेन पेज था, फिर एक उसके बाद एक और था स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। वहाँ से मुझको ऑथोरिटी नहीं, पर जैसे ही मैंने बुक लिखी ना, तो उसके बाद मुझको एक क्वालिटी टाइप ऑफ फैन बेस मिल गया। मतलब नए नए लोग कनेक्ट होना चालू हुए, और वो मतलब जो आपसे बाय भी करते हैं, जो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, और जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प भी करते हैं, और जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, वो लोगों से आप मिलना चालू हो जाओगे जब आपकी बुक लिखोगे आप। तो ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है। इतना मुझको इंस्टाग्राम से नहीं मिला, मैंने लगभग 500 से ज़्यादा वीडियो क्रिएट कर दी थी मेरे इंस्टाग्राम पे भी, और एक और मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने नहीं देखा तो बी आर जद्दी शॉर्ट्स करके। तो मेरी टीम थी, जो भी मैं वीडियो बनाता था उसमें से कुछ वीडियो क्लिप लेती थी, या फिर मुझको अलग स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं उनको बना के वीडियो देता था, वो अपलोड करती थी। लगभग 309 वीडियो उस चैनल पर डली हैं, लगभग 32,000 व्यू हैं, कोई स्पेशल नहीं है। और करीबन करीबन उस चैनल पे इतनी वीडियो अपलोड करने के बाद भी मुझको कोई स्पेशल अटेंशन नहीं मिली, कुछ स्पेशल चीज़ नहीं मिली। तो लगभग 200-300 सब्सक्राइबर हैं उस चैनल पे भी। तो उस पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, उतनी ऑथोरिटी उससे नहीं मिली जितना मुझको क्वालिटी फैन बेस यहाँ से मिला है, इतना कंटेंट क्रिएट करने के बाद। क्योंकि आप देख ही रहे होगे, आज हर एक बंदा यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रहा है, हर एक कुछ ना कुछ कर ही रहा है, इतना कॉम्पिटिशन क्रिएट भी हो चुका है, ठीक है। पर मैं ये बात मानूँ कि बुक लिखने की फील्ड में अभी बहुत कम लोग हैं और बहुत कम जा रहे हैं। वहाँ पे एक आपको बहुत अच्छी फैन बेस मिल जाएगा, बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे यहाँ पे बुक लिखने की फील्ड में। तो यहाँ पे आप एक अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से जब से मैंने बुक लिखी ना, तब से पार्ट टाइम मतलब बुक से अर्निंग हो रही मेरी, लगभग अप्रोक्स 10K पर मंथ अर्निंग हो गई है, ये एक्स्ट्रा इनकम चालू हो चुकी है मेरी। तो यहाँ से भी मैं उतने रुपए अर्न कर पा रहा हूँ जितना मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे 2 साल 2.5 साल मैंने वर्क किया। तो मैंने बहुत सारी वीडियो डिलीट भी करी, 2.5-3 साल में मैंने इतना वर्क नहीं किया। अब 3 साल से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें इस साल हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, कुछ वीडियोज़ वायरल चली जाएंगी, कुछ करके देखता हूँ। तो मैं 3 साल से यूट्यूब क्रिएट कर रहा हूँ। तो पिछले 6 महीने से मैं सीरियसली कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, पर पहले भी मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा था, उतना मैं रुपये वहाँ से नहीं अर्न कर पाया जितना मैंने यहाँ से, जैसे ही मैंने बुक पब्लिश की यहाँ से मेरी अर्निंग चालू हो चुकी थी। और इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बुक भी पब्लिश नहीं करें ना विदाउट पब्लिशिंग बुक, मैंने मेरी वो बुक थी जिसको मैंने ई बुक के फॉर्म में पब्लिश किया था, पहले ई बुक के फॉर्म में पब्लिश किया था, तो वहाँ से मुझको बहुत अटेंशन मिल गई थी, ठीक है। मैंने देखा था कि ई बुक के फॉर्म में पब्लिश करें, मैंने अमेजॉन किंडल ई बुक पे प्रीमियम पब्लिश हो जाती है, ठीक है, अमेजॉन किंडल ई बुक पे मैंने $5 की प्राइस रखी थी, तो वहाँ से भी लगभग 50 बुक सोल्ड आउट हो चुकी थी मेरी, ठीक है, वहाँ से भी हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने पर्सनली भी लोगों को सेल करनी थी, जो मेरे बंदे थे, मतलब जो पावर बेस रहता ना अपना, उससे भी की थी, और बहुत से लोगों ने बाय भी की थी, और वहाँ से भी मेरी लगभग 100 ई बुक वहाँ से सोल्ड आउट हो चुकी थी। तो यहाँ से अपन को क्या सीखने को मिलता है कि आप बुक क्रिएट नहीं कर रहे तो ई बुक क्रिएट करिए, तो वहाँ से भी आप अर्न कर सकते हो रुपए। और ई बुक एक ऐसी चीज़ है, आपको आपकी मेहनत है, और एक टाइप से उसमें कोई ना रुपए लगते ना कुछ लगते, बस आपकी मेहनत लगती है, रिसर्च लगता है, डेवलपमेंट लगता है, और आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, क्रिएटिविटी लगती है, यही सब लगता है उसमें, फिर उसके बाद आप कर पाते हो क्रिएट, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको करने के बाद आप ऑटोमेटिकली कर पाओगे, तो आप ऑटोमेटिकली रुपए भी अर्न कर पाओगे और ये भी कर पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको
क्वालिटी फैन बेस मिल जाएगा। ये सब कुछ अपन ने बहुत सारी बातें कर ली कि आप 62 रुपये भी अर्न कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो भी मेरे कॉन्टेक्ट में थे इंस्टाग्राम पे, मेरे जब मैंने ई बुक पब्लिश की थी लगभग मेरे पास इंस्टाग्राम पे 4,500 फॉलोअर थे, तो उनमें से सब 4,000 फॉलोअर थे उनसे मैं कुछ भी अर्न नहीं कर रहा था इंस्टाग्राम पर। जैसे ही मैंने ई बुक पब्लिश करी तो वहाँ से एक क्वालिटी फैन बेस आया है जिसने मेरी ऑडियो बुक बुक को बाय किया, ठीक है। और ऐसा नहीं जैसे कि इंस्टाग्राम पे अगर आप जैसे ही आप बुक ई बुक पब्लिश करते हो और उस पर एड्स चला दो अमेजोन किंडल ई बुक पे या पर कुछ रेवेन्यू शेयर करते हो उससे रिलेटेड जो ई बुक के सेल से रिलेटेड आएगा तो वहाँ से भी आएंगे। कुछ मेरी बुक को US अमेरिका में भी कुछ लोगों ने ख़रीदा, अपने ऑल ओवर इंडिया तो ख़रीदा था पर बाहर से भी ख़रीदा, कुछ दुबई में भी खरीदे थे बुक की परचेज भी आए थे। ऑटोमेटिकली लग जाता है अपन को कौन कहाँ से ख़रीद रहा है बुक, तो वहाँ से अपन को पता चल जाता है। तो उसमें तो यहाँ से भी अपन को पता चल जाता है कि यहाँ से भी अपने लोग बुक बाय कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो पुट करते हैं तो उससे रिलेटेड, तो इंस्टाग्राम पे भी आया। तो वहाँ से अपन को क्या सीख मिलती है, ऑटोमेटिकली आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी आती हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बोलूँ कि इंग्लिश में बुक पब्लिश करो, तो क्योंकि बाहर के लोग वो भी बाय कर पाएंगे और वहाँ से आपको अप्रिशिएशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा। तो वहाँ से मैंने मेरी ई बुक को फाइनल बुक को पब्लिश करने से पहले मैंने 3 महीने पहले मैंने मेरी ई बुक को पब्लिश किया था, तो 3 महीने में अलग ई बुक से मेरी ज्यादा अर्निंग नहीं, मैं आपको बोलूँगा अप्रोक्स 15K to 20K अर्निंग हुई थी, पर वो कदे अपना KDP भी ले लेते हैं और GST वगैरह रहता है तो उसको हटा के लगभग 15,000 रुपये अर्निंग हो गई थी मेरी ई बुक के फॉर्म से। तो वहाँ से भी आप अर्न कर सकते हो, मैंने ई बुक की मेरी प्राइस 1999 रखी थी, और अभी भी आप बाय करोगे ई बुक जाके बाय कर सकते हो, आपको इंस्टाग्राम की लिंक बायो में लिंक होगी वहाँ से जाके बाय कर सकते हो आप ई बुक 199 रुपये में। आपको पता भी चल जाए कि आप कैसे आपकी ई बुक पब्लिश कर सकते हो उससे रिलेटेड, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो क्वालिटी फैन बेस आपका क्लियर हो जाएगा, आपको जो भी आपके लोग हैं ना तो एक क्वालिटी फैन बेस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आप उस पर फेसबुक एड्स भी रन करोगे तो ऑटोमेटिकली जैसे कि 1,000 लोग देख रहे हैं ना तो उसमें से ऑटोमेटिकली 10 या 20 आपको क्वालिटी फैन बेस आ जाएगा और वो आपको हमेशा फॉलो करेंगे, ठीक है। अगली बात पर आते हैं कि अगला आपको क्या फ़ायदा मिला, ब्रांड एनहेंसमेंट। जो भी आप काम कर रहे हो ना, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हो या पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हो जाएगा आपका ब्रांड है ना उसकी प्रोग्रेस वो भी इम्प्रूव होगा और ब्रांड अवेयर करेगा आपको, लोग जागरूक भी होंगे और आपकी लोग आपका जो भी ब्रांड है ना वो एक बड़े लेवल पे हो जाएगा, लोग आपको जानने लगेंगे आपके बुक के थ्रू आप, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको ब्रांड है ना वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, तो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी आपकी लाइफ और नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। वैसे आपको बहुत रुपए खर्च करना होगा, वैसे आप देखें तो एड्स पर रुपए खर्च कर और आप फॉलोअर बढ़ा के इतना कुछ नहीं कर पाओ जितना आप एक बुक लिख कर आपके ब्रांड को आपका जो भी ब्रांड है उसको अवेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंक्रीज क्लाइंट, उसके बाद स्पीकिंग एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझको लगा, जिसके बाद मुझको भी कुछ स्पीकिंग असाइनमेंट मिलने लगी। अभी जब से मैंने बुक पब्लिश की तब से मेरे पास लगभग 7 से 8 वो आ चुके हैं स्पीकिंग असाइनमेंट, स्पीकिंग एंगेजमेंट स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज लिख देते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। तो स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज मिलना चालू हो जाती हैं, जैसे कि आपको कोई स्कूल बुला लेगा या फिर आपको कोई पर्टिकुलर कोचिंग बुला लेगी या फिर कोई कोचिंग बुला लेगी या फिर आपको मतलब जो भी बिजनेस से रिलेटेड बुला लेंगे वो बुला लेंगे या फिर कोई कॉरपोरेट बुला लेगा बोलने के लिए। तो ये सब कुछ आपको मिलता है, ये सब कुछ आपको मिलता है, आपको स्पीकिंग असाइनमेंट मिलना चालू करेंगे, यहाँ से भी आपकी रुपये अर्निंग होना चालू करेगी स्टार्टिंग में। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी मेरे स्पीकिंग असाइनमेंट हैं 2-3 घंटे से जितने भी नीचे असाइनमेंट है ना अभी मैं फ्री कर रहा हूँ, अभी कुछ 10 से 15 और फ्री करूँगा फिर उसके बाद इसको पेड में कर देंगे, जो भी चार्ज करूँ 5,000-10,000 रुपये पर असाइनमेंट पर सेमिनार ऐसा करके जो भी वहाँ पर बुलाएंगे
तो वहाँ पे अपन ये कर सकते हैं। पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी अथॉरिटी क्रिएट करने के लिए मैं जितने भी अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही मुझको और जितने भी स्पीकिंग असाइनमेंट मिल रहे हैं, स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ वो सारी गैदर कर रहा हूँ। पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ जितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही ना, मैं सारी गैदर कर रहा हूँ, फ्री में कर रहा हूँ अभी ये सारी। अगर आपके भी किसी भी कदम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आपका स्कूल है, या फिर आपकी कोचिंग है, या फिर आपका कोई बिजनेस है, या फिर आपको कोई टीम को ट्रेनिंग चाहिए, तो अभी आप मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझको बात कीजिए, मैं आपको जब तक आप देख रहे हो लगभग अगले 2-3 महीने के लिए हम फ्री असाइनमेंट कर रहे हैं कोचिंग स्कूल्स के लिए, जहाँ पे हम आपको सिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें, इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सिखाएंगे, नॉलेज देंगे, तो वो सब कुछ हम करेंगे, वो भी फ्री में आपकी टीम को ट्रेनिंग देंगे, तो ये सब कुछ हम आपके लिए फ्री में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लेट होते हो 2-3 महीने बाद, जैसे कि आप अक्टूबर में या नवंबर में हमसे बात करते हो, नवंबर या दिसंबर में, तो तब तक हम ये काम कर देंगे, ये पेड हो जाएगा। पर पेड भी करवा सकते हो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज मिलना चालू हो जाएंगी, जैसे मुझको मिलना भी चालू हो चुकी हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया, ठीक है। तो ये आपको डिजिटली भी मिलेंगी और आप फिजिकली भी मिलेंगे। फिजिकली में मैं आपको बताता हूँ, किसी भी इसकी पर्टिकुलर स्कूल या कोचिंग या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी फाउंडेशन के लिए आपको बुला सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके आप बोल सकते हो, कोई चर्च या फिर कहीं पे भी आपको ऑटोमेटिकली आप लोग आपको अप्रोच करेंगे। एक बार आपके बारे में जानेंगे, उसके बाद लोग आपको अप्रोच करना भी चालू कर देंगे, तो वहाँ से आपको स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ ले रहे हैं, जो भी आपको मैंने बोला कि अगर आप करवाना चाहो तो अभी ऑनलाइन ही है आपको। अगर हमारे अवेलेबल होंगे, अगर हमको लगता है कि आपको फिजिकली, मतलब जो भी आप फिजिकली सेमिनार करवाना चाहते हो, तो वो भी आपको फ्री हो जाएगा। पर एक बार आप कॉन्टेक्ट कर लेना हमसे, अगर आप हमारे सेमिनार चाहते हो या वेबिनार चाहते हो, ठीक है। तो आर यू एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा बातें हो रही, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपको, वो भी सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी तक को आपको सब कुछ अच्छा लगा ना, तो बताइए आर यू एक्साइटेड? अरे आर यू एक्साइटेड? ओके से यस। ओके ओके जानवी यस, सोनी यस, ओके ओके आसी यस, यस ओके मैनी मोर। अरे यार क्या एनर्जी डाउन हो गई क्या आपकी? सारे यस बोलते रहो जो भी बोल रहा है, ठीक है। तो अगले पे आते हैं हम, ठीक है। तो स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज़्यादा मिलना चालू हो जाएंगी। तो ये आपको जैसे कि मैंने फिजिकली भी बता दिया, और अभी डिजिटली हम कर रहे हैं, जैसे कि एक जूम पर वेबिनार रखते हैं, या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, या आप पोस्ट करोगे या फिर हम पोस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप पोस्ट करते हो तो मुझको ऐसा गेस्ट स्पीकर बुलाते हो, तो वहाँ पे हम जो भी सेमिनार रहता है, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी जिस टॉपिक पे आपको बोलना है मुझको, वो वेल प्रिपेयर रहता है, वहाँ पे हम बात करते हैं, वहाँ पे स्पीकर असाइनमेंट रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने इंदौर के स्कूल में अभी हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे 9th से लेके 12th तक के स्टूडेंट थे मेनली, तो हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू स्टडी इन दिस कोरोना टाइम, तो ये सारी थी, हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म, हाउ टू हैंडल एनजाइटी एंड प्रेशर, बहुत सारी बात की थी। तो ये सारी बातें हमने उस वेबिनार में की थी, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास अपॉर्चुनिटीज मिलना चालू हो जाती हैं, तो ये बुक का ही कमाल है, ठीक है। अगले पे आते हैं इंक्रीज क्लाइंट। तो जो भी आपका बिजनेस है ना, देखो क्लाइंट आप पे विश्वास करना चालू कर देते हैं, और क्लाइंट इफ़ यू कांट सेल एनी बडी अनटिल दे ट्रस्ट यू, आप किसी को जब तक सेल नहीं कर सकते जब तक वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता, और बुक एक ऐसा काम करती है, लोग आप पे ट्रस्ट करना चालू कर देते हैं। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बुक का, कि ये आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, समझ रहे हो ना, ठीक है। आपके क्लाइंट बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपकी एंगेज क्लाइंट बढ़ जाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि देखो रिसेंटली अभी मैंने जो क्लाइंट गेन किए मेरे ऑनलाइन कोर्स अल्टीमेट गोल सेटिंग के लिए, ठीक है, बहुत से लोग थे जो मेरे विलेज के थे, जो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते थे, विलेज के नहीं बोलूँगा मैं, जो जहाँ पर मैं रहता हूँ गुना अशोक नगर
और ये मैनली सावड़ा, यहाँ पे आप मुझको जानते हो, बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना एक्टिव नहीं हूँ। मैं मैनली ओनली सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया मुझको लोग जानते हैं, मतलब हर एक जगह भी नहीं जानते, पर मैनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते थे, जो मुझको जानते थे पर मुझसे बाय नहीं करते थे, मेरे क्लाइंट्स नहीं थे, जो भी ऑनलाइन सर्विस हैं, डिजिटल सर्विस हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनके पार्ट नहीं थे। पर उससे पहले जैसे कि मेरी जैसे मेरी बुक पब्लिश हुई, तो मैंने उनसे बोला, मतलब बहुत से लोग थे, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, व्हाट्सअप पर डाली, बाय ऑर्डर बाय लिंक दी, ठीक है। तो वहाँ से उनको ट्रस्ट नहीं हुआ, तो फिर उनसे बात हुई मेरी, ठीक है, पर बुक से सेल से लेट हुई, तो फिर उन्होंने बुक बाय की, पर बुक बाय करने के बाद उन्होंने मेरी सपोज 300 रुपये की एक बुक बाय की, ठीक है, इंक्रीज क्लाइंट कैसे और क्लाइंट इंक्रीज हो, ठीक है। अब उनको बुक बढ़िया लगी, ठीक है, बुक बढ़िया लगी तो वो शेयर भी करेंगे, ठीक है, और उन लोगों से बात करेंगे कि ये विशाल की ये है, हमारे गांव का ये है, हमारे गांव का या फिर हमारे ज़िले का ये बंदा है जिसने बुक लिखी है, ये मेरा दोस्त है या फिर मेरे मतलब सर है, तो ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। तो एक तो उन्होंने कर दी कि उनके थ्रू और कोई बाय करेगा, ठीक है, और अब जो हैं खुद हैं वो, ठीक है, वो मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम में भी आ सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो जो ऑनलाइन कोर्सेज में आ सकते हैं। तो लाओ अभी तो मैं रिसेंट बोला हूँ, 10 से 12 स्टूडेंट हमको अल्टीमेट गोल सेटिंग को मिले सिर्फ बिकॉज ऑफ बुक, अल्टीमेट गोल सेटिंग प्रोग्राम है, और अनलॉक योर पोटेंशियल में भी हमको मिले हैं, 5,500 का प्रोग्राम है अनलॉक योर पोटेंशियल, जिसमें आपको ऑल ओवर डेवलपमेंट करा जा सकता है, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो, ये आपको अगर आप मेरी इसको यूट्यूब पर देख रहे हो, इसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे, ठीक है, या तो आपको यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको आई बटन मिल जाएगी, ठीक है। तो अनलॉक योर पोटेंशियल कोर्स क्या है, उसमें आपकी मतलब 5 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मुझको क्लाइंट्स मिलना भी चालू हुआ है, जो भी आपका बिजनेस है ना, वहाँ पे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, आपके क्लाइंट्स भी आप जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आपके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यू विल हैव, और बार बार गिर रहा है यार बहन। 7th प्रोफेशनल पीस ऑफ वर्क, आप इसको आपके इंटरव्यू में या फिर रेज्यूमे में या फिर आपके CV में आप इसको लिख सकते हो कि आई रोट दिस बुक, आप मैंने ये किताब लिखी है, इसमें ये आपको मिलेगा सीखने को, और ये सारी चीज़ें, ये आप एक टाइप से आपकी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा बुक लिखना, आप कहीं पे भी हाईलाइट कर सकते हो, ये एक प्रोफेशनल पीस ऑफ वर्क हो जाएगा, लोग आपको इसके नाम से भी जानेंगे, जो भी आपकी बुक है, कि भाई साहब ऑथर विशाल रघुवंशी। मैं अभी जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आई वॉज डूइंग सेशन, आई वॉज टीचिंग पीपल हाउ टू गो ऑनलाइन, हाउ टू स्टडी, हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, तब तक मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर टाइप में ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे वो उतने बड़े लेवल पे मैं नहीं कर पा रहा था, ठीक है, मैं विशाल रघुवंशी था, पर जैसे ही मैंने बुक लिखी, जैसे मेरी बुक आई, तो एक क्रेडिबिलिटी आ गई, एक प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी आ गई मेरे पास, ऑथोरिटी आ गई कि मैंने बुक लिखी है, और बुक लिखी है तो ऑटोमेटिकली लोग मेरे बारे में जान भी रहे हैं, और एक प्रोफेशनल पीस ऑफ वर्क हो गया, और मैं ऑथर विशाल रघुवंशी बन गया, विशाल रघुवंशी से, ठीक है, ऑथर विशाल रघुवंशी। तो ये भी एक आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी मेरी कॉलेज की 1st ईयर कंप्लीट होने वाली है, ठीक है, तो अभी तो मेरे पास बहुत टाइम भी है, पर अभी से मैंने काम स्टार्ट कर दिया है करना, और आगे वाले टाइम में मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊँगा, ठीक है। तो ये बुक मेरी हमेशा एक क्रेडिबिलिटी रहेगी, एक ऑथोरिटी रहेगी, एक प्रोफेशनल वर्क रहेगा, कहीं पे भी मैं अगर, अब देखो मैं आपको, मैं वैसे जॉब करूँगा नहीं, पर मैं अगर कहीं पे भी किसी भी HR के रिलेटेड हेड ऑफ रिक्रूटमेंट या फिर किसी प्राइवेट जॉब में अप्लाई करता हूँ, जहाँ पे सिलेक्शन या फिर सेल्स रिलेटेड काम रहता है बड़े लेवल पर, ठीक है, तो मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो ये वहाँ पे मेरा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी मेरे सिलेक्शन में, ठीक है। और कहीं पे भी
कहीं पे भी मुझको यहाँ से इससे प्रोफेशनल पीस ऑफ वर्क है जो मुझको हर एक जगह क्रेडिबिलिटी और ऑथोरिटी दिला पाएगा। अगली बात पर आते हैं, ठीक है, पैसे इनकम, एट पैसे इनकम, यहाँ से पैसे इनकम जनरेट कर पाओगे भाई साहब। ये रॉयल्टी इनकम भी हो जाएगी और आपकी पैसे इनकम भी हो जाएगी, ठीक है। एक बार आपकी बेस्ट सेलिंग बुक बन गई ना, तो उसके बाद आपको देखो आज आपकी बुक को बाय कर रहे हैं, आए आपकी बुक को जब मान के चलो आए आप बेस्ट सेलिंग ऑथर हो और ठीक है आपने एक बार बुक लिख दी और आपकी लॉन्च कर दी और हर एक जगह प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। पर धीरे धीरे करके एकदम फेमस नहीं होती बुक, धीरे धीरे करके वायरल होती है, ज़्यादा लोग सुनते हैं, ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा लोग रिव्यू करते हैं उस बुक के बारे में, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपके बारे में वो काम करना चालू हो जाएंगे, वो क्रेडिबिलिटी आपको मिलना चालू हो जाएगी और वहाँ से आप रुपए कमा पाओगे। आज तो रुपए कमा ही रहे हो, ठीक है, एक पैसिव इनकम। एक बार आपने देखो जैसे कि अभी आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को बारे में आपको एक बार बता दूँ, अगर आप नहीं जानते हो तो, ज़्यादातर लोग जानते पर फिर भी मैं आपको बता दूँ, जो लोग नहीं जानते एक शॉर्ट रूप भी बता देता हूँ। एक्टिव इनकम वो रहती है जो जिस पे काम कर रहे हो और जैसे ही काम ख़त्म हुआ तो उसके जब तक काम करोगे तब तक रुपए मिलेगा और जैसे ही काम ख़त्म हुआ फिर उसके बाद आपको रुपए नहीं मिलेगा। और पैसिव इनकम ऐसा है कि एक बार आपने काम किया और उसके बाद आप चाहे काम करो या ना करो उसके बाद भी आपको इनकम मिलना चालू हो जाएगी, वो उस कैटेगरी में जाती है अपनी बुक। तो बुक लिखने का सबसे इम्पोर्टेंस बेनिफिट मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने एक बार बुक लिख दी और वो बेस्ट सेलिंग बन गई तो आप उससे लाइफ टाइम रुपए कमा पाओगे। लाइफ टाइम अगर आप हो और अगर आप नहीं भी हो तो वो आपकी उसकी उस बुक की रॉयल्टी आपके घर वालों फैमिली वालों को भी मिलेगी। और एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल के लिए बहुत सारे एग्जांपल हैं मेरे पास, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, और अपनी हैरी पॉटर बुक, ठीक है, 10x रूल, थिंक एंड ग्रो रिच, शेरलॉक होम्स, तो मूवीज़ भी बुक्स में से बन रही हैं आजकल। कॉमिक्स बुक्स देख लो, मार्वल की जितनी मूवी बनी है ना, पहले मूवी बनने से पहले मार्वल की कॉमिक्स आती थी, उनके थ्रू इंस्पिरेशन के उनके बाद ये अपनी मार्वल की मूवीज़ बनी है। जितनी मूवीज़ हैं वो बुक्स पर ही तो हैं, कॉमिक्स बुक्स पर स्टैनली ने लिखी थी। आज स्टैनली नहीं है पर उसकी भी आज स्टैनली नहीं है पर वो बुक है ना, बुक की जितनी भी अर्निंग हो रही है, जितनी मूवीज़ की जो भी रॉयल्टी आती रहेगी उसकी फैमिली को मिलती रहेगी लाइफ टाइम, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन। अगर आज स्टैनली भी नहीं है पर उसके बाद भी उसकी फैमिली को वो उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी हमेशा हमेशा के लिए, समझ रहे हो, ठीक है। जैसे कि जेके राउलिंग के बारे में जानते हो, हैरी पॉटर, उसने एक बार बुक लिखी, उसकी एक बार बुक कंप्लीट हुई, सीरीज आर्ट सीरीज कंप्लीट हुई, अब नया भी कुछ लाएंगी तो हैरी पॉटर का चैप्टर कुछ और कुछ नया सोच रही होंगी या फिर कहीं भी लाएंगी, तो वो बुक की वजह से आज एक बिलियनर थी, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी दान कर दी, वो मुकदमे रिचेस्ट वूमेन बन चुकी थी अपनी बुक की वजह से, बिलियनर बन चुकी थी उस बुक की वजह से। मूवीज़ से भी मिल रही है, मूवीज़ से भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसके थ्रू रुपये मिलती हैं मूवीज़ बनाने पे भी, ठीक है, और बुक से जो भी सेल्स आती हैं उसकी रॉयल्टी इनकम भी मिलती है। तो आप सोचो यार, सोचो कितना सब कुछ होता है। ये तो मैंने आठ इम्पोर्टेंस बेनिफिट बता दिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर इसके बाद भी बावजूद भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है आपका, एक टाइप से आपका करियर ही तो बन गया इस चीज़ में, करियर ही तो हो गया। आप अगर आप एक बार आपकी बुक फेमस हो जाती है, वायरल हो जाती है, बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाते हैं, तो आप आपकी जॉब भी छोड़ सकते हो, आप स्पीकिंग असाइनमेंट करना चालू कर दोगे, लोगों से बात करना चालू हो, पर्सनल कंसल्टिंग चालू कर सकते हो, काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ से आप कितना रुपए कमा सकते हो, इमेजिन हाउ मच यू कैन मेक मनी, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। ये तो मैं बता दी मैंने ये सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। 10x रूल, ग्रैंड कार्डोन, ठीक है, उसके बाद शेरलॉक होम्स बुक थी पर उसके ऊपर ही वो मूवीज़ बनी, वो शेरलॉक होम्स है,
रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने रोल प्ले किया उस बुक में, ठीक है। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की, नेपोलियन हिल की है या फिर और किसी की है वो आप देख लेना, अभी मैं भूल रहा हूँ, नाम नहीं आ रहा, शायद उसी की है, ठीक है। तो वो बुक आज भी, आज नेपोलियन वो कदम जिसकी भी बुक है, इज डेड पुअर डेड नहीं, वो थिंक एंड ग्रो रिच बुक, तो आज भी उसकी फैमिली को, अगर आज उसकी फैमिली में कोई है तो उसकी भी रॉयल्टी इनकम जा रही होगी, भले ही वो नहीं है आज इस दुनिया में। उस बुक की आज मैं भी बुक बाय करता हूँ ना, उसकी 5% 10% 15% कोई भी रॉयल्टी जाएगी, पर उसकी फैमिली को ही जाएगी वो रॉयल्टी। तो उतने ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं यार, समझो आप, बुक आपको इसलिए लिखना चाहिए। ज़िंदगी में एक बुक तो लिखो, और एवरेज पर्सन मैं आपको बताता हूँ कि जो भी बुक लिखता है ना अपनी लाइफ का निचोड़ लिख देता है, और आपको बुक तो इसलिए पढ़ना ही चाहिए। जितने भी बिलियनर हैं, मल्टी मिलियनर हैं, वो बुक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको सब कुछ सीखने को मिल जाता है जिस बंदे ने उसकी लाइफ में क्या क्या किया है। मात्र 300, 500, $10, $15 में आपको सब कुछ सीखने को मिल जाता है, उसकी लाइफ की बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस, उस जो उसने इतनी गलती करके सीखे हैं वो सारी सीखें आपको फ्री मिल जाती हैं, 300, 400, 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 10000 रुपये में। तो ये सब कुछ आपको सीखने को मिलता है बुक से भी, बुक पढ़ना भी चाहिए। दैट्स वाई मिलियनर्स रीड्स बुक, ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट मी ड्रिंक वाटर, चलते हैं। तब तक आप भी एक दो मिनट का रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि आप भी बोर होने लगे हो गए। तो सेशन तो अपना 3 से 4 घंटे चलने वाला है, 2 घंटे, दो तीन घंटे और चलेगा, 1 घंटा तो हो गया अपन को, ठीक है, लगभग 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। पानी पी लीजिए आप भी, आराम कर लीजिए, थोड़ा 2 मिनट का फ्रेश स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रोहित बोल रहा है मैंने तो पी लिया, शराब बोल रहा है आप पी लो। अरे मैं बोल रहा हूँ इसलिए मुझे प्यास लगाई, अब तो वीडियो ऑन करके वीडियो ऑफ करके बैठे, अब खाना नहीं खा रहे तो मुझको पता नहीं चलेगा आप खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो, पर एयरफोन लगा कर वीडियो सुनते रहो जो भी मैं बोल रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देता हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बुक एंड राइटिंग बुक एंड बुक ख़त्म हो चुका है, अगले पे आते हैं। क्या है अपना, हाउ डू यू चूज अ बुक कैटेगरी टू राइट बुक्स। देखो भाई साहब, कैसे चूज करना अपनी कैटेगरी बुक लिखने की, ठीक है। How to choose category of book? ठीक है। First, go deep. Learn more about this thing. तो जो भी आप करने वाले हो उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उतनी इन्फॉर्मेशन ग्रो करो, मतलब कलेक्ट करो जितना हो सकता। गो डीप अबाउट योर टॉपिक्स, द मोर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट थिंग देन द मोर यू आर गोइंग टू राइट बुक, द मोर यू आर गोइंग टू सून राइट द बुक, द मोर यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर बुक सून, ठीक है।
तो फर्स्ट दे आपका जो भी काम है उसको उससे रिलेटेड डीप इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर लो, जितनी भी हो सकता है गहराई से गहराई तक, ठीक है। और जितनी बुक पढ़नी है आपको, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप बुक लिख रहे हैं ना, तो आपको अप्रोक्स 100 बुक पढ़ना चाहिए या फिर उनकी समरी सुनना चाहिए, जिस फील्ड में भी आप लिख रहे हो ना। हाँ, जिस फील्ड पे भी आप लिख रहे हो, समझ रहे हो ना, जिस फील्ड पर भी आप लिख रहे हो उससे रिलेटेड आपकी जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है उतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है। जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है और उतनी कलेक्ट करो। और सेकंड, चूज लेस कॉम्पिटिटिव एंड मोस्ट डिमांडिंग कैटेगरी। देखो, लेस कॉम्पिटिटिव, मोस्ट एंड मोस्ट डिमांडिंग, इस फील्ड में आपको जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसलिए, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो, जो भी आपकी बुक सेलेक्ट कर रहे हो, जिसमें भी कैटेगरी भी आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपके मन में एक क्लियर होना चाहिए, क्या बात, कि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा थोड़ा मतलब लेस कंपटीशन हो। तो बुक के फील्ड में मैं तो एक बात बताऊँ तो बहुत कम कंपटीशन है, हर एक चीज़ से रिलेटेड बहुत कम कंपटीशन है बुक की फील्ड में। पर बुक की फील्ड में भी आपको एक ऐसी कैटेगरी चूज करनी है जिसमें आपको लेस कंपटीशन मिले और मोस्ट डिमांडिंग मिलो, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंडिया में इतना कल्चर नहीं है कॉमिक्स रीड करने का, इंडिया में इतना कल्चर नहीं है कॉमिक्स रीड करने का। बहुत को जो भी मेनली सिटी होंगी, मुंबई, इंदौर और दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मेनली ऐसी जगह पे ज़्यादातर लोग वो भी मार्वल की या फिर डीसी की कॉमिक्स पढ़ते होंगे। पर जो भी बच्चे हैं, अगर मैं बच्चों से रिलेटेड बताऊँ, अगर बच्चों से रिलेटेड कॉमिक्स लिखना चाहते हो आप, तो भारत में बहुत बड़ा मार्केट आने को है। और भारत के पास सुपर हीरो हैं पर उस फील्ड में नहीं है, जैसे कि मार्वल, मार्वल और अपन डीसी की बात करें ना, तो जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं और इनको बहुत साल हो चुकी हैं, इसके बाद जे आज इस लेवल पे पहुंच पाए। पर इंडिया में अपन देखें तो कोई सुपर हीरो हैं पर उस लेवल के नहीं है, उस टाइप की कॉमिक्स क्रिएट नहीं हो पाती, उस मतलब वेब सीरीज टाइप में, एक सीरीज टाइप में कॉमिक्स क्रिएट नहीं हो पाती। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप इस फील्ड में उतरते हो। भारत में कोई सुपर हीरो, सुपर हीरो जैसे शक्तिमान है, ठीक है, क्रिस है, पर उसकी उस लेवल की वो नहीं है अप्रोच, समझ रहे हो ना, ना वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सी ऐसी सिचुएशन है हमारे साथ कि लोग उस कैटेगरी में जाना भी नहीं चाहते और कोई सोचता भी नहीं है। तो हमारे पास एक दो ऑप्शन मिले थे, अभी हमारे पास एक दो अब हमारे पास बेस्ट सुपर हीरोज भी आए थे रिसेंटली, उनकी डेथ हो गई यार उनकी। अरे यार, मैं आपको बता दूंगा इस सेमिनार के ख़त्म होने के बाद, क्योंकि अभी मुझको उसको नाम नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नाम दे दूंगा और बुक मूवी का भी नेम दे दूंगा और उस कॉमिक्स थी उसका भी नाम दे दूंगा। मतलब वो मोश वो उसके बाद उनका उनकी डेथ हो गई, उसके बाद थोड़ा अप्रिसिएशन मिला था उस कॉमिक बुक को। वहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे इंडिया में इतना स्कोप नहीं है कॉमिक बुक का, मतलब स्कोप तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी अवेयर भी नहीं है और लोग उसके बारे में राइट भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक अपन ले सकते हैं अपन ऑप्शन कि क्रिएटिंग कॉमिक्स बुक इन इंडिया, तो ये लेस कॉम्पिटिटिव भी है, ठीक है, और मोस्ट डिमांडिंग भी है। लोगों को नई नई कहानियाँ पसंद पढ़ना है, इंग्लिश और हिंदी में करोगे ना तो ही आप ग्रो कर पाओगे, क्योंकि जो भी आपके रूरल रूरल एरियाज हैं ना, वहाँ पे लोग इन इंग्लिश नहीं जानते, वो हिंदी पढ़ हिंदी में पढ़ते हैं, वो चाचा चौधरी के किस्से पढ़ते हैं, जो भी गांव के रहते हैं अखबार वगैरह पढ़ते हैं ना बच्चे, तो वो ठीक है, तो अखबार में एक दो चुटकुले आते हैं वो ही पढ़ते हैं, वो ज़्यादा कहानियाँ आती हैं। तो हमको अभी हमारे इधर क्या है कि दादी से कहानियाँ सुनने की आदत है, दादी मम्मी चाचे दादी वो भी हैं, उनसे भी ताऊ ताई, तो उनसे सुनने की अभी आदत है हमारी कहानियाँ। तो अभी उन्हीं कहानियों को या फिर आपके जो भी हमारे ग्रंथ हैं, एपिक हैं, महाभारत, ठीक है, तो उससे भी कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ठीक है।
तो उनको भी एक वेब सीरीज टाइप में उनमें से कुछ कैरेक्टर ले सकते हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैं कॉपी करने की नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो और बहुत बड़े लेवल पर क्रिएट कर सकते हो, कुछ कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी होगी पर मैं आपको बोलूँ कि उनसे इंस्पायर होकर ऐसा कर दो, थोड़ा अलग हटकर एक कर सकते हो। मैं अभी इस टॉपिक पे मैं अभी नहीं सोचूंगा क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा वर्क है कॉमिक बुक से रिलेटेड। मैं यहाँ से 8 से 10 साल बाद देखूंगा अगर मैं करता हूँ, मुझे लिखना है कॉमिक बुक, पर अभी मैं उस कैटेगरी में नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी मुझको इस कैटेगरी से रुपये मिलना है। इस कैटेगरी में बहुत सारा वर्क है और जो मैं अभी बोल रहा हूँ सेल्फ हेल्प से रिलेटेड जो मेरी कैटेगरी है मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन से रिलेटेड, तो मैं उसी कैटेगरी में हूँ अभी। तो वहाँ से मुझको अटेंशन मिल रही तो मैं उसी को काम करूँगा ना, वहाँ से मुझको वर्क मिल रहा है। जब मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँगा तो मैं इंडिया के सुपर हीरो क्रिएट करूँगा आज से 10 साल बाद। अगर कोई क्रिएट नहीं करेगा तब मैं कर पाऊँगा, वो तब करूँगा मैं। अगर कोई उससे पहले कर लेता है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कॉमिक बुक आप डिसाइड कर सकते हो, लेस कॉम्पिटिटिव एंड मोस्ट डिमांडिंग, ठीक है। और सेल्फ हेल्प बुक भी आ सकती है मोटिवेशन इंस्पिरेशन से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड मैं क्यों बोलना चाहता हूँ कि आप अगर आप देखोगे आजकल इंडिया में आप बुक देख रहे होगे ना, तो वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहा सेल्फ हेल्प बुक्स में। जितने भी इंडिया में लोग हैं ना, तो बाहर से इंस्पिरेशन लेते हैं, मतलब बाहर से मैं इंस्पिरेशन नहीं बोलूँगा, कॉपी कर देते हैं। उनका पैराग्राफ है जैसे कि अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर कॉन्ट्रोवर्सरी हो जाएगी। फिर देखो बहुत सारे लोग हैं ना वो क्या करते हैं कि बाहर के जैसे कि ग्रैंड कार्डन हुए, एरिक थॉमस हुए, और भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं टोनी रॉबिन्स हुए, उनकी बुक्स पढ़ी, उनकी बुक को कॉपी किया और छाप दिया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, कहते हैं 7 संडे वीक लाइफ, मतलब बहुत जान कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, मैं नेम नहीं लेना चाहता, पर बहुत से लोग जो भी आपको अगर जितने भी इंडिया में मोटिवेशनल स्पीकर देख रहे हैं ना सेम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहे, वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा मीनिंग और स्वयंबल बदल कर देते हैं और फिर भी वो उससे अर्न कर पा रहे हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर बने बैठे हैं, पर उस लेवल पर नहीं कर पा रहे वो, ठीक है। पर अगर आप कुछ नया क्रिएटिव लाओ इंग्लिश और हिंदी दोनों में, मैं आपको बोलूँगा, पर मैं आपको बोलूँ कि पहले इंग्लिश में आओ। अगर आप सिर्फ गांव के मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रहना चाहते हो, उससे बड़े लेवल पे नहीं करना चाहते, तो मैं आपको बोलूँगा कि स्टार्टिंग में लोग क्योंकि आपको बाहर की सपोर्ट भी नहीं करेंगे। अगर आप हिंदी में लाओगे तो आपको उसकी भी मिल जाएगी, एक साथ ही लाओगे ना दोनों में, ये तो फिर बढ़िया रहेगा। या फिर आप पहले इंग्लिश में ले आओ फिर उसके बाद हिंदी में ले आओगे। तो जैसे कि मैंने मेरी बुक लॉन्च की थी तो मुझको नेशनल लेवल पर बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि जानतर अपने इधर रहते हैं ना जो लोग रहते हैं, बुक्स पढ़ना ही पसंद नहीं करते, और बुक्स पढ़ना वो ही पसंद करते हैं और वो इंग्लिश में ही पढ़ना पसंद करते हैं जो पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसलिए मेरी बुक इंग्लिश में है, अभी हिंदी में ट्रांसलेशन चल रहा है, लगभग दिसंबर तक हिंदी में भी हिंदी में ट्रांसलेशन चल रहा है, दिसंबर तक बुक आ जाएगी। अभी हमने इंग्लिश में लॉन्च की है, तो अगर आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगी, हाउ टू बीट योर हैबिट्स, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं कि कंपटीशन बहुत कम है अपन को इस चीज़ में और मोस्ट डिमांडिंग है, तो जो अपने मोटिवेशनल स्पीकर है ना वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप यूनिक कंटेंट लाओगे, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक की फील्ड में भी आपका जो भी कंटेंट है वो सेल्फ हेल्प बुक की फील्ड में दे रहे हो ना, आपके यूनिक कंटेंट है, तो वो एक बड़े लेवल पे जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारी बुक है ना, तो उसके हमने ज़्यादा नहीं 1000 बुक ही पब्लिश कराई थी, सेल्फ पब्लिश्ड है अभी, क्योंकि अपन अभी मुझको पब्लिशर हाउस भी नहीं मिला था और उनको बुक भी पसंद नहीं आ रही थी कि अगर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझको पहले सेल्फ पब्लिश करना है बुक, ठीक है। और सेल्फ पब्लिश मैंने बुक की और फिर उसके बाद मैं अभी रिजल्ट देख रहा हूँ, ये फर्स्ट एडिशन है और सेकंड एडिशन जल्दी अगले महीने या फिर अगले दो महीने के बाद मिल जाए, क्योंकि ये भी बुक सारी सोल्ड आउट हो जाएंगी अगले 2-3 महीने में, 2 महीने में पूरी बुक सोल्ड आउट हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमको 2-1.5 महीने बुक को लॉन्च करे हुआ है, लगभग बहुत सारी बुक सोल्ड आउट हो चुकी हैं, 50% बची हैं, तो वो भी अगले 1-2 महीने में हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप ऐसी कैटेगरी डिसाइड करो
और आपकी जो भी फर्स्ट एडिशन में आप जो भी जितनी बुक कराएं, मिनिमम मैं आपको बोलूँगा 500 या 1000 बुक ही पब्लिश कराओ, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिस्टेक रहेंगी। देखो आप स्टार्टिंग में आप देखो आप बेस्ट दे दोगे, पर उसके बाद ही बहुत सारी मिस्टेक करती हैं, कुछ स्पेलिंग करेंगी तो कुछ वर्बल करेंगी, कुछ कम्युनिकेशन करोगी। अगर आपको इंटरनेशनल जाना है तो अपनी गलती से सीखते जाना है, तो वो सब कुछ चल रहा है अभी मेरे स्कोप में। ठीक है, तो आगे बात कर दें अगला पॉइंट, कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जैसे कि आपको जो भी अच्छा लगे कॉमिक्स बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप जो भी हो, अगर आप थोड़ा इंटरेस्टेड हो सुपर हीरो से रिलेटेड, तो आपको इसी फील्ड में जाना चाहिए कॉमिक बुक टाइप में। इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है आने वाले इस टाइम में, आज से 5-10 साल में आप बहुत बड़े पर्सनालिटी हो सकते हो, बहुत बड़े डायरेक्टर ऑथर हो सकते हो इस फील्ड में। ठीक है, अगला कि व्हाट इंस्पायर यू अबाउट राइटिंग। देखो जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो आपको इंस्पायर करती है, व्हाट इंस्पायर्स अरे भाई मत कर मत कर मत कर प्लीज 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 ओके व्हाट इंस्पायर यू अबाउट राइटिंग। बोर तो नहीं हो रहा है? अरे यार थोड़ी बहुत रिसर्च करके बनाई, पर मैं आपको ज़्यादा तेज भी नहीं बोल सकता, किन पर बड़े समय तक नहीं बोल पाऊँगा। तो आपको क्या इंस्पायर करता है लिखने के लिए? ठीक है, अगर आप एक्शन से रिलेटेड लिखना चाहते हो, फाइटिंग अच्छी लगती है फाइटिंग से रिलेटेड कर सकते हो, या फिर आपको हॉरर मूवीज अच्छी लगती हैं, या फिर हॉरर मूवीज आपको मतलब थोड़ा इंस्पायर मतलब उस टाइप में आप लिखना चाहते हो, उस टाइप में करना चाहते हो, या फिर एडवेंचर से रिलेटेड, तो ये सारी बातें अगले में कैटेगरी में हम डिसाइड करेंगे कौन कौन सी कैटेगरी अवेलेबल है हमारे पास बुक लिखने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या इंस्पायर करता है? जैसे कि मार्वल्स की बुक आपको बहुत ज़्यादा, अगर मैं मार्वल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और DC का भी, पर मैं अभी बोलूँगी मार्वल का मैं बहुत बड़ा हूँ, क्योंकि वो सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और आयरन मैन सुपर हीरो, माई फेवरेट सुपर हीरो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ कि मार्वल की जो भी मूवीज़ हैं ना, अगर आपको इंस्पायर करती हैं उससे रिलेटेड, देखो आप वहाँ से इंस्पायर ले लो, उस लेवल पे नहीं कर पाओगे अभी, ठीक है, पर आज से 20 से 25 साल बाद आप उस लेवल की मूवीज़ मतलब मूवीज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी, अगर आप उस लेवल तक अगर इंडिया में आप बुक कर पाते हो, बुक से रिलेटेड उस टाइप की कॉमिक्स बुक क्रिएट कर पाते हो, उस टाइप की हीरो डेवलप कर पाते हो, हर एक बैकग्राउंड का डेवलप कर सकते हो, तो उस टाइप के आप क्रिएट कर सकते हो। आप स्टार्टिंग में इंडिविजुअल सुपर हीरो से स्टार्ट करना, पर धीरे धीरे करके आप और भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसकी एवेंजर्स की एक टीम होती है, वैसे ही इनकी एक टीम करा देना आप बता रहा हूँ मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप ही नहीं कर पाए तो मैं फ्यूचर में ज़रूर करूँगा इस बात को। अगर आज से 10-15 साल में अगर इंडिया को कोई सुपर हीरो उस लेवल की नहीं दे पाता, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा इसको। मेरा है कुछ आइडिया, मेरे पास है आइडिया, मैं करूँगा वो, पर अभी इस फील्ड में आप जा सकते हो और बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपको मिलेगी भी अटेंशन, क्योंकि अब लोग अवेयर हो रहे हैं DC की मूवी मार्वल्स की मूवी। स्टार्टिंग में आज से 5 साल पहले जब तक आपकी जियो लॉन्च नहीं हुई ना, तो लोग मेरी बात बताना चाहूँगा, मैं सिर्फ मार्वल की कॉमिक्स नहीं, सिर्फ मैंने आयरन मैन मूवी देखी थी, आयरन मैन शायद फर्स्ट और सेकेंड ही आई थी तब, तो ये दोनों ही मूवी देखी थी और मैं इतना कुछ जानता नहीं था, पर जैसे ही आई ना तो लोगों के मैंने मुझे डिस्नी हॉटस्टार नेटफ्लिक्स आए डिस्नी हॉटस्टार से तो, और मुझे कहते हैं अपने जियो सिनेमा और जियो की समय ना, तब से बहुत ज़्यादा लोग अवेयर हो चुके हैं, मार्वल के भी फैंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आप अगर आप देखो ना मार्वल की मूवीज़ एक्सप्लेनेशन पे, तो बहुत ज़्यादा चैनल भी बन चुके हैं मार्वल की मूवीज़ एक्सप्लेन करते हैं, मार्वल की मूवीज़ से रिलेटेड ही डालते रहते हैं वीडियो। आप अगर आप एग्जांपल लो देसी नर्ड कॉमिक एक्सप्लेन, ऐसे करके बहुत ज़्यादा चैनल डाले हैं,
जो सिर्फ उन पे ही वीडियो बनाए, मार्वल की जो भी वीडियो आए थे ना उससे रिलेटेड, मार्वल की मूवी से रिलेटेड ही वो वीडियो बना रहे हैं, उससे उनके मिलियंस में फॉलोअर हो चुके हैं। तो इस टाइप का आपका फैन बेस होगा 20 से 25 साल बाद, अभी नहीं होगा। मार्वल एक्सप्लेन करके तो ऐसे करके बहुत आपको अटेंशन मिलेगी, ठीक है। तो आपको जो इंस्पायर करता है, अगर मार्वल की मूवीज आपको इंस्पायर करती हैं तो उससे रिलेटेड, जैसे कि आप उनमें महाभारत और जो अपने जो भी रामायण महाग्रंथ हैं, गीता, तो इनसे रिलेटेड भी आप ऐड कर सकते हो। तो उन मैं आपको नहीं बोलूँ, टू द कॉपी आप उतार दो, उनसे पे इंस्पायर हो कि कुछ हटकर आप लिखो, जिससे कि आदमी अगर मोस्टली अपने इंडिया में देखो तो इंडिया में रिलीजन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। तो आप ऐसा कोई क्रिएट करो, ओ क्योंकि अगर आप इंडिया रिलीजन से रिलेटेड कुछ क्रिएट करते हो इंस्पायरिंग, कुछ धमाकेदार, तो आपको ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा फैन बेस आपको मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। चूज रिलेटेड टू योर पैसन, जो भी आपको पैसन, जो भी आपका पैशन है ना, अगर आपको पैशन है डिटेक्टिव से रिलेटेड, अगर आपको डिटेक्टिव लॉयर बनना है तो उससे रिलेटेड बनना है ना, तो आप शायद आपने मूवी देखी होगी डिटेक्टिव बियोमैक्स बख्शी करके पहले बुक थी, फिर उसके ऊपर मूवी बनी, ठीक है। तो अगर आप डिटेक्टिव से रिलेटेड लिखना चाहते हो ना, तो डिटेक्टिव से रिलेटेड भी आप लिख सकते हो। आपको जो मतलब जो पैशन है उससे रिलेटेड आपको वर्क करना है, उससे रिलेटेड काम करना है, उससे रिलेटेड वर्क क्रिएट करना है, जिससे लोग आपको बारे में जाने भी और कर भी पाए, ठीक है। अगला, स्टार्ट फ्रॉम ई बुक। अगर आपको इंस्पायर करती हैं मार्वल की मूवीज तो उससे रिलेटेड क्रिएट कर सकते हो, और आपको इंस्पायर करती हैं सेल्फ हेल्प बुक्स और उससे रिलेटेड रिच डैड पुअर डैड से रिलेटेड बुक आप लिखना चाहते हो, फाइनेंस पर लिखना चाहते हो, फाइनेंस से स्टॉक मार्केट में हो तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लिखना चाहते हो, तो मैं आपको बता सकता हूँ एक टाइटल इस पर भी लिख सकते हो, अ सर्वाइवल गाइड टू स्टॉक मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम, हाउ टू बिकम फाइनेंशियल फ्री, ठीक है, हाउ टू क्रिएट एसेट्स, तो ऐसे करके ये भी बुक के नेम लिख सकते हो जो आप यूज़ कर सकते हो आपकी लाइफ में, जो भी अगर इनसे रिलेटेड आप बुक लिखना चाहते हो, ये टाइटल बहुत मोस्ट अवेटेटिंग है। आगे चलते हैं, और अगर आप इन सब से रिलेटेड भी नहीं हो ना, सिर्फ आप एक काम कर सकते हो जो मैं कर रहा हूँ, और मैं आगे चल के मेरी अगली बुक आई आज से 3 साल बाद, दो हज़ार 2024 या 2025 में मेरी बुक आई ना, तब तक मैं मेरे लगभग 500 या फिर 300 एपिसोड कुछ फिनिश कर दूंगा। 2025 तक मेरे या फिर 1000 एपिसोड भी कंप्लीट हो गया मेरे दबियार जिद्दी शो के, तो दबियार जिद्दी शो के कदम कंप्लीट होते हैं जितने भी एपिसोड मैं आपको बोला हूँ, जैसे कि 500 एपिसोड कंप्लीट होते हैं 2025 तक। तो मैं एक पॉडकास्ट जो क्रिया है दबियार जिद्दी शो जो पॉडकास्ट है, उसके ऊपर भी एक मूवी मतलब एक बुक लिख सकता हूँ, तो ऐसे करके भी आप कर सकते हो। अभी आप स्टार्टिंग में अगर आपको कोई बुक आइडिया नहीं है तो आप मैं बोलूँगा कि आप पॉडकास्ट क्रिएट करो, पर पॉडकास्ट से ऊपर आपके एक्सपीरियंसेस लिखना चालू कि मैंने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा, तो इस पॉडकास्ट से क्या सीखा, इस पॉडकास्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, इस पॉडकास्ट में डॉक्टर जी बख्शी ने क्या बोला था, या फिर आप जो भी आपके इंटरव्यूअर रहेंगे ना उनसे रिलेटेड लिखना चालू कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने बात की हाउ टू राइट एंड पब्लिश बुक, ठीक है। तो पहला कि गो डीप, लेस कॉम्पिटिटिव, एक बार मैं आपको कंक्लूड कर दूं, आपको हर एक चीज़ से रिलेटेड डीप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लेस कॉम्पिटिटिव और मोस्ट डिमांडिंग क्रिएट करना है आपको क्या टॉपिक, ठीक है। व्हाट इंस्पायर यू राइट अबाउट दैट थिंग, जो आपको इंस्पायर करता है उससे रिलेटेड लिखो, जो आपका पैसन है उससे रिलेटेड लिखो। स्टार्ट बुक पब्लिश करने से पहले आप आपकी ई बुक पब्लिश करो और उसको टेस्ट करो, जैसे कि मैंने किया था मेरी जो हाउ टू बी डू योर हैबिट्स बुक है ना, उसको पब्लिश करने से पहले मैंने ई बुक
क्रिएट करी थी और उसका मैंने रिस्पॉन्स चेक किया था, अगर लोगों को पसंद आए तभी मैं बुक लिखूँ, नहीं बैर फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मैं मेरी मनी वेस्ट क्यों करूँ। तो उससे रिलेटेड मैंने मुझको रिस्पॉन्स बढ़िया मिला, फिर मैंने उसको और एडिट कर पर बुक पब्लिश कराई। ठीक है, और एक और आइडिया आपकी चूज कैटेगरी करने के लिए, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है, इस बात ध्यान रखो तो आप आराम से एक सही कैटेगरी चूज कर पाओगे। क्रिएट अ पॉडकास्ट एंड राइट अ बुक ऑन दैम, एक पॉडकास्ट क्रिएट करो और उस पर लिख दो बुक। ठीक है, अब आगे हम कुछ बात आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी है हमारे पास, तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे के टॉपिक पर आते हैं, अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है अपना? ठीक है, आर यू एक्साइटेड? मज़ा आ रहा है ना? ठीक है, ओके, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ मज़े में ना, सब कुछ मज़े में। सो लिखो लिखो, यस से यस, आर यू एक्साइटेड? ओके, एक्साइटेड एक्साइटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बोर हो गए पर इसको हर एक चीज़ आपको सीखने मिलेगी। आपको किस टॉपिक पे लिखना चाहिए? ठीक है, साइंस, साइंस फिक्शन में लिखना चाहिए। ठीक है, साइंस आप देख भी रहे हो, साई फाई मूवीज देख रहे हो, साइंस फिक्शन पे भी आप बहुत लिख सकते हो। ठीक, कॉमिक्स बुक के बारे में मैंने आपको बताया अभी, कॉमिक्स बुक्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है। एंड ग्राफिक नॉवेल्स आप देख सकते हो, ग्राफिक्स टाइप में नॉवेल्स भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ हेल्प बुक कैटेगरी, सेल्फ हेल्प बुक कैटेगरी फोर्थ, इंस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फिफ्थ, बायोग्राफीज सिक्स्थ, लिटरेरी फंक्शन, लिटरेरी फंक्शन सेवन, फैंटेसी एट, और ये सारे मेन कैटेगरी हैं जिनमें सब ज़्यादातर बेस्ट सेलिंग बुक निकलती हैं, वो यही कैटेगरी हैं जिनमें मैं आपको बता रहा हूँ। जो अभी तो मेन पहली साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन पे आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी आपने, साई फाई, इंसेप्शन, बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखी होंगी आपने। ठीक है, और ठीक है, फिर उसके बाद कॉमिक्स बुक और ग्राफिक्स नॉवेल्स आ जाती हैं, जैसे कॉमिक्स बुक में आपने, ठीक है, अभी मैंने ईयरफोन नहीं लगाई तो अभी मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। ठीक है, तो अभी तो आप मेरी बात ही सुनो। ठीक है, मैं सबसे लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उसमें आप हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं कॉमिक्स बुक्स के बारे में। मैंने अभी इतना सारा एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है कॉमिक्स बुक। ठीक है, साइंस फिक्शन पे भी अभी देखो, साइंस फिक्शन अभी इंडिया को बहुत ज़रूरत है साइंस फिक्शन की। इंडिया में जो भी मूवीज़ देख रहे हो ना, जो बुक के, इंडिया में ज़्यादातर बहुत कम मूवीज़ हैं जो बुक के ऊपर क्रिएट हो रही हैं, पर आगे चल के आज से, अभी तो बॉलीवुड एक टाइप से साइंस की ऐसी तैसी कर देता है, जितना भी प्रोजेक्ट्स की बाट लगा देता है, सलमान खान हुए, चाहे कोई भी एक्शन एक्टर ले लो बॉलीवुड में, वो इतना बढ़िया क्रिएट नहीं कर पाते, मतलब कुछ भी बताते हैं, हवा में उड़ा देते हैं गाड़ियाँ, कुछ भी। तो उस लेवल की साइंस फिक्शन नहीं है, पर हो सकता है टॉलीवुड में कुछ मूवीज़ में मिला है अपन को, टाइम ट्रेवलिंग मूवीज़ मिली हैं कुछ टॉलीवुड में, तो वहाँ से भी टाइम ट्रेवलिंग के ऊपर भी बना सकते हो, वो साइंस फिक्शन में ही आ जाएगा। तो आप जो भी बुक लिख रहे हो ना, तो वो उसको इतना एक्टिव करो। शेरलॉक होम्स आपने वेब सीरीज़ देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देखना ज़रूर। ठीक है, तो उसको इतने तगड़े तरीके से लिखो, तो एट द एंड ऑफ द, जब तक बुक ख़त्म ना हो, आदमी की क्यूरियसिटी ख़त्म ही नहीं हो क्या हुआ बुक में, और एट द एंड ऑफ द पेज, जो भी लास्ट चैप्टर बचा है उसके कुछ पेजों में लास्ट में जाके ही बुक का सस्पेंस ख़त्म हो। और ऐसा ही जब उसके ऊपर, आपकी बुक के ऊपर मूवीज़ बनेंगी,
तो वैसा ही उसमें होना चाहिए। आपकी बुक में जो भी साइंस फिक्शन बना रहे हो वो टू द पॉइंट होना चाहिए। जो अपनी उसमें डार्क एंटिटी बताया गया है वो सब कुछ शेरलॉक होम्स मूवी में बाद में पता चलता है कि ये सब साइंस फिक्शन ही था, साइंस ही थी सब कुछ, ठीक है। तो फिर उसके बाद आते हैं थर्ड पे कॉमिक्स की, मैंने बताया सेल्फ हेल्प बुक। सेल्फ हेल्प बुक कैटेगरी मैंने आपको बताया इंडिया में, मैं एक बार फिर से करता हूँ इसको, 5 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। इंडिया में जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं कुछ को छोड़कर, कुछ मतलब जो चुनिंदा हैं उनको छोड़कर, जो भी बुक लिख रहे हैं ना वो सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। थोड़ी लैंग्वेज चेंज करते हैं और बाहर के जो भी स्पीकर हैं, ग्रैंड कार्डोन, टोनी रॉबिन्स, एरिक थॉमस, एरिक बोरे और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर, सिर्फ उनका कॉपी कर रहे हैं, उनको कॉपी करके यहाँ पे बता रहे हैं। वो प्रवीण प्रे तो उनको कॉपी करके इनमें लिख रहे हैं, मेल रॉबिन्स, ठीक है, उनकी बातें कॉपी कर कर और पेस्ट कर कर इसमें लिख रहे हैं। और सेल्फ हेल्प बुक की फील्ड में अगर आप हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आदमी लाइफ में कम से कम, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो भी आप पढ़ता है, जो भी एवरेज बंदा है ना, लाइफ में एक उसकी कॉलेज लाइफ हो या फिर कुछ लाइफ हो, कम से कम एक मोटिवेशनल बुक ज़रूर पढ़ता है, एक या दो या पर कभी कुछ तो पाँच पाँच दस दस पढ़ते हैं। मुझ जैसे तो 125 पढ़ चुका हूँ मैं, और भी चाहिए मुझको। आँग में देखता हूँ, रिव्यू देखता हूँ, हर एक चीज़ वगैरह बारे में करता हूँ, और अगर मुझको अच्छी लगती है बुक तो मैं उसको पढ़ता हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं कोई साइंस फिक्शन टाइप बुक नहीं पढ़ता, कॉमिक्स बुक नहीं पढ़ता, मैं सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता हूँ जो मुझको बहुत इंस्पायर भी करती, मोटिवेट भी करती हैं। और मैं सीखता हूँ कि उनसे कैसे रुपए कमाया जाए, फाइनेंशियल फ्री किया जाए, क्या कौन सा आइडिया मेरी लाइफ बदल सकता है, कौन सा आइडिया मुझको $1 million रुपए कमा कर दे सकता है, क्या सीख इस बंदे ने जो अपनी लाइफ में की जो मैं अपनी लाइफ में ना करूं, क्या गलती इसने इसकी लाइफ में की वो मैं ना करूं। तो ये सब कुछ आपको सीखने पे मिलता है, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, ओके। तो सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया में। अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हो आपके एक्सपीरियंस के बेस्ड पर या फिर आपके इंटरव्यू के बेस्ड पर, मैंने बोला पॉडकास्ट वाला सीन, और उसको आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो, क्रिएट करते हो ना, तो बहुत बढ़िया है। सोहेतब गैंगवार को जानते हो ना, उसकी बुक सबसे डिफरेंट है, द रूडेस्ट बुक एवर। आई विल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड दैट बुक, द रूडेस्ट बुक एवर बाय सोहेतब गैंगवार। मैन सूत्र करके भी उनका था, ठीक है, वो चैनल भी है उनका, तो अब तो उन्होंने साथ नेम चेंज कर दिया उसका, पर वो बुक है ना द रूडेस्ट बुक एवर, वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मैं बोला ना पीपल इमोशनल होते हैं ना चीट करते हैं वो, मतलब रूडेस्ट बुक एवर इज वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट यू कैन रीड। मतलब उस जैसी बुक क्रिएट कर दोगे ना तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उन्होंने उनकी लाइफ की बेस्ट की एक्सपीरियंस लिखा है, उनके 1 million, 1.5 million सब्सक्राइबर हुए थे उसके बाद लिखा है। पर आप कुछ हटके क्रिएट कर सकते हो या फिर आप जो भी कर सकते हो, सेल्फ हेल्प बुक, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, या फिर किसी एथलीट की कहानी लिख रहा है, उनसे पर्सनली इंटरव्यू लेकर उनसे बात कर कर, या फिर किसी बिलीनर की के ऊपर बायोग्राफी लिख रहा है वो, तो उनके ऊपर बायोग्राफी लिख रहे हो ना, तो उसके ऊपर भी मैं आपको मैं बोलूँगा कि थोड़ा अच्छे से उनसे बात कर कर, थोड़ी इंस्पायरिंग, थोड़ी मोटिवेटिंग, थोड़ी क्यूरियसिटी भी होना चाहिए, कैसे उनने क्या 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 अचीव किया, कैसे अचीव किया। तो ये सब कुछ अगर आप कर पाओगे तो ऑटोमेटिकली मैं आपको बोलूँ कि आपकी बुक बेस्ट सेलिंग बनेगी और आप उससे बहुत ज़्यादा रुपये कमाओगे, ठीक है। इंस्पिरेशन मोटिवेशन मैंने अभी बताया कि आपको कॉपी नहीं करना है, जैसे मेरी बुक है हाउ टू बीट योर हैबिट्स, टाइटल ही डिफरेंट है और हैबिट्स के ऊपर बहुत कम बुक लिखी गई हैं। अगर अपन देखें 5 AM क्लब उनकी है यार, उनका क्या नाम है एक, ठीक है, उनकी है, तो उनकी बुक को मुझको लगा ठीक ठाक है, पर मतलब उनकी बुक बहुत शानदार बेस्ट सेलिंग बुक है, उनका नाम नहीं आ रहा यार, चलो छोड़ो अभी, ठीक है। 5 AM क्लब वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो सुबह उठने के लिए आपको हो सकते हैं, हैबिट को चेंज करने के लिए, ठीक है। और भी बुक है, एटॉमिक हैबिट है, ठीक है।
तो ऊपर इंडिया में, अपने इंडिया में इंडिया ही के हैं वो जो राइटर हैं, वो ऊपर वो अभी फॉरन में रहते हैं भाई वेम क्लब बारे। पर मैंने सोचा हाउ टू बीड योर हैबिट्स, अपनी आदतों को कैसे बदलें, ठीक है। तो उसमें एक एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताया गया कि इंडियन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, वो कैसे अपनी आदतों को बदल सकते हैं। मिलियन मेरी बुक में मैंने बहुत बताई, गोल सेटिंग के बारे में भी बताया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताया है, ठीक है। कैसे हम रुपये अर्न कर सकते हैं, प्रोडक्टिव हो सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बताया, कैसे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। तो बहुत सारी बातों को मैंने बताया है उस बुक में, ठीक है। तो वो थोड़ी हटके भी है, और आगे चल के मैं बोल रहा हूँ कि वो बेस्ट सेलिंग तो बनेगी, मेरी गारंटी है। आज से एक साल में नहीं बनती तो अगले साल ज़रूर बन जाएगी, मैं ये गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मुझको पता है। क्योंकि अभी मैं उस लेवल के एफर्ट नहीं डाल पा रहा हूँ उस बुक के लिए, क्योंकि मेरे पास और भी ज़्यादा ऑप्शन है, मैं उनसे थोड़ी मेरी मैन इनकम मेरी वहाँ से आ रही, तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, इस पर भी करूँगा। पर जैसे हिंदी और इंग्लिश में आ जाएगी, दोनों में हो जाएगी, जो सेकेंड एडिशन आ जाएगा, फिर इसके बाद उस पर वर्क करेंगे और फिर उसको बेस्ट सेलिंग बुक बनाएंगे, ठीक है। अभी ये टेस्ट फेज में, फिर उसके बाद आता है इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, बायोग्राफीज के बारे में मैंने बताया, लिटरेरी फंक्शन, जो भी फिक्शन से रिलेटेड थोड़ी एजुकेशनल कंटेंट हो उसमें, और थोड़ी फिक्शन भी रहता है, फैंटेसी मूवी, कोई भी आइलैंड, कोई भी परी परियों की कहानी, बहुत बढ़िया लगती है इंडिया में परी परियों की कहानी, तो ऐसा भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। और डरावनी स्टोरीज ये, और इसमें आप लिखते हो कंचना के कितने तगड़े फैन बेस्ड है इंडिया में, हर कुछ हॉरर में आप बहुत बड़ी तरीके से क्रिएट कर पाए, उनको फील दे पाए इंडिया में, तो उस पर मूवीज तो पक्के में बनेगी बनेगी। पर एक बार आप आपकी बुक का बुक क्रिएट कर पाए, एक बुक लिख दी आपने हॉरर, तो वो उसका बहुत बढ़िया है, वो आपकी सेल भी होगी, क्योंकि आजकल जो भी सिटीज़ में लोग रहते हैं ना, वो हॉरर स्टोरी बहुत पसंद करते हैं, और थोड़े जो भी टीनेजर रहते हैं ना, वो हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ पे आप उस चीज़ में भी जा सकते हो। ये सारी कैटेगरीज हैं जिनमें जो मेन कैटेगरी मैंने आपको बता दी, इन कैटेगरी में चुनोगे ना, तो आपकी पॉसिबिलिटी है आपकी बुक की 80% पॉसिबिलिटी है कि आपकी बुक बेस्ट सेलिंग बनेगी, अगर आपका कंटेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और जिस इस फील्ड में से लिखते हो। ज़्यादातर जितनी मैंने बुक देखी है अभी ऑनलाइन सर्च करी, जो मेरी रिसर्च मिली इन फील्ड में, जो भी 80% 70-80% बुक मिली जो इन्हीं फील्ड में बेस्ट सेलिंग बुक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप अगेन 5 मिनट का रेस्ट ले लें, या अगेन 5 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर उसके बाद स्टार्ट कर दें, ठीक है। तब तक के लिए मैं पॉज। हेलो, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे वो पैर दुखने लगे यार, पैर दुखने लगे, इस कारण से अब खड़े होकर पढ़ाई नहीं होगी, बढ़ा नहीं पाऊँगा। चलो ठीक है, मैं आपको बैठ के ही समझाता हूँ। 1.5 घंटा हो गया यार, 20 मिनट पहले के स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हाउ टू स्टार्ट राइटिंग बुक। अब बुक को राइटिंग को स्टार्ट कर दी, बहुत सारी अपन बात करेंगे, कैटेगरीज चूज़ कर ली, ठीक है, और इम्पोर्टेंस समझ लिया, ठीक है, किस कैटेगरी में लिखना है, कैटेगरी कैसे चूज़ करना है, ये सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। अब कैटेगरी चूज़ करने के बाद अब बुक को स्टार्ट करना, अगर अभी से बुक लिखना कैसे चालू करें, जस्ट अभी से, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया तो आप अभी से कैसे बुक लिखना चालू कर सकते हो, ठीक है, यही बात करते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं बात, ओके। तो अभी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आर यू एक्साइटेड, तो देखो बोर फील कर रहे हो ना, तो अभी वीडियो पॉज कर देना, 1 घंटे तक देख लिया आपने, 1.5 घंटे तक जो भी देख लिया अभी तक, तो अब देखने के बाद आप एक काम करना कि आप थोड़ा ब्रेक लेके, अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हो तो बता रहा हूँ मैं, अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हो और लाइव क्लास में चल रही है तो लाइव क्लास तो चल ही रही है, ठीक है। तो अगर यूट्यूब पर इसको देखोगे ना आप, इसको बाद में भी यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको, ठीक है, जो भी अभी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, फ्री सेमिनार है यार, आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आपको YouTube पे मिल जाएगी, ब्रेक लेके पर पूरा देखना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग योर बुक। अब अपनी बुक को देखो, राइट डाउन योर स्टोरी आइडिया। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या कि लेट मी ब्रिंग माय बुक, मेरी बुक उठा लूँ, ठीक है, एक मिनट मेरी बुक उठा लूँ।
सबसे इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट अपन को कहना है राइट डाउन योर स्टोरी आइडिया, जो भी आपका स्टोरी आइडिया है ना उसको लिख लेना। देखो जैसे कि मेरा वो आइडिया था हैबिट्स के ऊपर लिखना है, हाउ टू बीट योर हैबिट्स, ये टाइटल सबसे बाद में डिसाइड हुआ था, हैबिट्स के ऊपर लिखना है। हाउ टू ब्रेक, इस बुक के बहुत सारे नेम्स निकले थे, हाउ टू बीट योर बैड हैबिट्स, हाउ टू मेक न्यू हैबिट, बहुत सारे आइडियाज़ थे, बहुत सारे देखे थे, मिलियनर्स हैबिट, मल्टी मिलियनर्स हैबिट्स, बाय पीपल रिमेन ब्रोक, मतलब ऐसे करके बहुत सारे आइडियाज़ थे, बहुत सारे नेम्स थे हमारे इस स्टोरी के। तो मेन आइडिया तो हमने देखा था हैबिट्स के ऊपर था कि हैबिट्स के ऊपर बुक लिखनी है, तो हर एक चीज़ इसके ऊपर डिस्कस किया हमने, ठीक है। और मेन आइडिया हमारे थे इस बुक से रिलेटेड क्या 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 लोगों को इसको सीखने को मिलेगा। मेन आइडिया मैं आपको बता देता हूँ इस बुक से रिलेटेड हमारा मेन आइडिया था, देखो पहला तो कि हैबिट्स रिलेटेड हैबिट्स कैसे बदलनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसमें भी अपन थोड़ा और बताएं कि देखो हैबिट्स हर चीज़ से रिलेटेड हैं, अगर लोगों को फिजिकल फिट होना है, ठीक है, उससे रिलेटेड, अगर लोग ज़्यादा फिजिकल फिट होना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। अगर वो अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ना चाहिए उनको, ठीक है। हैबिट्स से रिलेटेड हर एक सिचुएशन है, कैसे हैबिट्स क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप एक दिन में अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हो तो कैसे बदल सकते हो, ठीक है। और दो दिन में अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हो, या फिर एक हफ्ते में, या फिर एक महीने में, या फिर सुबह कल से स्टार्ट उठना चालू करना चाहते हो तो कल से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, रात को 4-4 बजे तक उठकर मेहनत करना चाहते हो तो वो सब कुछ इसमें लिखा है, हर एक चीज़ कैसे भी, कोई भी कितनी भी बेकार आदत हो आपकी कैसे आप चेंज कर सकते हो, इसमें सब कुछ लिखा है हैबिट्स रिलेटेड, ठीक है। अगर आप आगे भी बताएं, और अगर आप और भी ज्यादा रुपये कमाना चाहते हो, यू वांट टू मेक मोर मनी, आप कैसे रुपये ज्यादा कमा सकते हो, मिलियनर मल्टीमिलियनर रहते हैं उनकी क्या क्या हैबिट्स रहती हैं, वो कैसे ज्यादा रुपये कमाते हैं, ठीक है। अगर आप हाई सक्सेस अचीव करना चाहते हो आपकी लाइफ में, वो सब कुछ है इसमें। अगर आपकी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो ये सब कुछ है इस बुक में, ठीक है। उसके बाद है डू यू वांट टू बी, आप ज़्यादा काम करना चाहते हो कम समय में, वो भी है इस समय। तो सब कुछ ए टू जेड चीज़ें हैं जो भी आपको चाहिए इस बुक में, हर एक चीज़ है, ठीक है। आप में से कोई भी प्रॉब्लम है आपको, इफ एनी प्रॉब्लम और रीज़न यू फाइंड गिवन है, यू मस्ट गो फॉर दिस बुक एंड वन टाइम इट विल चेंज योर थॉट प्रोसेस एंड योर मेंटेलिटी। आपकी मेंटेलिटी और थॉट प्रोसेस हर एक चीज़ को चेंज कर देगी ये बुक, अगर आप ये सब कुछ करना चालू कर दोगे इस बुक को पढ़ते हो तो, ठीक है। ये सारे रीज़न थे, ये सारा मेन आइडिया था मेरी बुक का जो मैंने बताया, जो ये बुक है हाउ टू ब्यूटी योर हैबिट्स, इस बुक का मेन आइडिया जो मैंने अभी आपको बताया, ये मेन आइडिया था इस बुक का। और आपका भी जो मेन आइडिया हो आपकी बुक का, वो आपको कन्विंस करना होगा। अगर आप कॉमिक्स से रिलेटेड लग रहे हो ना तो सुपर हीरो से रिलेटेड लग रहा हो तो सुपर हीरो से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड लग रहा हो तो मोटिवेशन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड लग रहा हो तो मनी से रिलेटेड, तो हर एक चीज़ से रिलेटेड आपको क्लियर करना है टू द पॉइंट कि क्या है आपका बुक का आइडिया, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन योर बुक, आप क्या लिखने वाले हो आपकी बुक में। तो मेन आइडिया, मेन स्टोरी आइडिया आपका क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका स्टोरी आइडिया क्लियर नहीं होगा ना, आप कितना भी कोशिश कर लेना आप बुक को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और उसमें क्या पता क्या लिख दो, कुछ भी पता भी नहीं चलेगा आप क्या लिखोगे, और उसको कुछ समझ में भी नहीं आएगा उस बुक के से, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आपका जो भी मेन स्टोरी आइडिया है आपकी बुक का, तो उसको क्लियर करो टू द पॉइंट, क्या है आपकी स्टोरी बुक का आइडिया, तो उसको टू द पॉइंट क्लियर करके रहो। जब तक बुक क्लियर नहीं होगा ना आपका स्टोरी आइडिया, तो आपकी बुक ना भी बेस्ट सेलिंग बनेगी ना आप उसको कभी कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि आपको टू द पॉइंट ही पता नहीं होगा कि मुझको क्या लिखना है मेरी बुक में, किस चीज़ से रिलेटेड है। कैटेगरी अपने डिसाइड कर ली, फिर आपका स्टोरी आइडिया जो भी हो है, वो स्टोरी आइडिया क्लियर करिए। आपकी बुक का आइडिया ये भी हो सकता है हाउ टू बिकम अ मिलियनर इन 2 ईयर, इन 1 ईयर, हाउ टू गेन फाइनेंशियल फ्रीडम, तो ये मेन आइडिया हो सकता है, इससे रिलेटेड आप टॉपिक वाइज चालू कर सकते हो, ठीक है। मेरा हैबिट चेंज करने का था, ठीक है। आपका और कुछ भी चेंज करना हो, हाउ टू चेंज योर थॉट प्रोसेस, हाउ टू चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड टू थिंक बिग, तो ये ऐसे करके बहुत सारी क्रिएटिविटी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप कर सकते हो आपकी लाइफ में बहुत आगे जाने के लिए, और बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हो। ये सारी बातें मैंने आपको बताई, ठीक है।
तो सेकंड पॉइंट जी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें, एटलीस्ट रीड और देखो, एटलीस्ट रीड समरी और बुक इन 100+ बुक्स इन योर कैटेगरी टू राइट अ मास्टरपीस। देखो, अगर आपको आपकी बुक को मास्टरपीस और बेस्ट सेलिंग बुक बनाना है ना, तो आपकी फील्ड में जितनी भी ज़्यादा बेस्ट सेलिंग बुक हैं, जितनी भी बेस्ट सेलिंग बुक हैं या पर जो भी बुक्स हैं उनकी नॉवेल्स हैं, उनकी सारी डिटेल, उनकी समरी पढ़ लो उन सारी 100 बुक की, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप, मैं बोलूँगा कि आप समरी पढ़ लो। और अगर आपके पास, आप 2-3 साल में लिखने वाले हो आपकी बुक को, 1 साल के अंदर लिख रहे हो, 6 महीने के अंदर लिख रहे हो, तो अब मैं बोलूँगा कि समरी पढ़ लो, 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर अंदर सारी समरी निपट जाएंगी, ठीक है। और अगर बुक पढ़ोगे तो आपको 1 साल से लेके और 3 साल में आप सारी बुक पढ़ लोगे, और उसके साथ साथ आप लिखते रहना, ठीक है। तो 3 साल में आप आराम से कर लोगे, और फिर 3 साल बाद जो आप बुक लिखोगे ना, वो मतलब टोटल लाइफ चेंजिंग बुक होगी, मेरी मेरी बुक की तरह, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये बोलूँगा कि ऐसा ही नहीं कि आपने मुंह उठाया इस बुक में क्या स्पेशल चीज़ है, इस बुक में से क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं। देखो, कॉपी आप कभी करना मत, देखो एक कॉपी राइट आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, मैं आपको बोलूँगा कॉपी करके किसी का लिखना भी मत, क्योंकि अगर उसने कॉपी राइट ठोक दिया आपके ऊपर, आपकी घर वालों की पूरी फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, जितनी भी प्रॉपर्टी है घर वालों की, सब कुछ बिक जाएगी। और वो ऐसा नहीं लगाते 1 लाख 2 लाख का क्लेम, सीधा 5 करोड़ 10 करोड़ का क्लेम ठोक देते हैं मानहानि का, वही साहब लीजिए लो। तो ऐसे करके आपकी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी, इतना आप रुपए अर्न नहीं करोगे, इतना आप लॉस में चले जाओगे। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप जो भी ले रहे हैं ना, उससे इंस्पायर्ड हो, कॉपी मत करो, टू द कॉपी आपने छाप दिया, ठीक है। और आप उन लोगों के अगर क्वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हो ना, तो आप उन लोगों की यूज़ करना जो आज से पहले 70 साल पहले थे, क्योंकि 70 साल बाद कुछ ऐसा रहता है कि उनके मरने के 70 साल बाद आप कोई भी क्वार्ट्स यूज़ कर सकते हो। आप भगत सिंह के क्वार्ट्स यूज़ कीजिए ना, आप सुभाष चंद्र बोस की क्वार्ट्स यूज़ कीजिए ना, रविंद्रनाथ टैगोर के क्वार्ट्स यूज़ कीजिए ना, अरिस्टोटल की यूज़ कीजिए, आचार्य चाणक्य की यूज़ कीजिए। वो क्या आपके पास कॉपीराइट ठोकने आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो ऐसे क्वार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो आपकी बुक्स में, ठीक है। हाँ, और जो भी जिसके भी आप क्वार्ट्स यूज़ कर रहे हो या पर क्वार्ट्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो उनको नीचे मतलब उनको क्रेडिट दे देना, समझ रहे हो ना। और क्रेडिट उनको नहीं दिया तो भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर आपने उनको क्रेडिट नहीं दिया। सीधा एक कॉपीराइट ठुकेगा और आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि डोंट गो फॉर दैट, समझ रहे हो ना। तो डोंट कॉपी पीपल, डोंट कॉपी पीपल कंटेंट, क्योंकि उन्होंने उनकी लाइफ में लिखा है, इंस्पायर होकर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला थर्ड, योर बुक पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, आपकी जो भी आपकी लाइफ है ना, योर आपकी लाइफ में जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, जो भी चीज़ आप सोचते हो, उसको एक अलग तरीके से, मतलब जो आप सोचते हो ना, उसको सही तरीके से एसोसिएट करके, सही तरीके से बना के ऐसे लिखो कि आपका वो बुक का पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए। और जो भी बुक पढ़ रहा है ना, उसको सिंपल और सटीक समझना है आप क्या सोच रहे हो और आप क्या बताना चाहते हो। अगर आपका बुक का मैसेज क्लियर नहीं रहेगा और आपका बुक का पॉइंट ऑफ व्यू टू द पॉइंट नहीं रहेगा, तो आपकी बुक को उतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी और उस लेवल पे सक्सेस नहीं हो पाई। और अगर आप बुक भी लिख रहे हो ना, आगे से ये चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो कि आप फर्स्ट चैप्टर में कुछ बात कर रहे हो और सेकंड चैप्टर में आके आप उस फर्स्ट चैप्टर की बात को नेग्लिजिबल कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पहले पहले तो बोल रहे हो कि शुगर नहीं खाना चाहिए, और सेकंड चैप्टर में आके बोल रहे हो कि शुगर खाओ बॉडी बनाने के लिए, जो भी आप बोल रहे हो। तो अपनी बातों को टू द पॉइंट रखना, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसको सटीक और उसके ही तकलीफ पे उसको ही देखते हुए पूरा काम कंप्लीट करना, जो भी आपका कंप्लीट है, नहीं तो आप फिर उसको पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू टू द पॉइंट होना चाहिए। अगली लाइन, एस्टेब्लिश द
establish your work and conflict and स्टिक्स, ठीक है? तो स्टिक टू द पॉइंट, देखो आपका जो भी पॉइंट है उससे स्टिक रहो, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आपके मन में चलती है, अरे मुझको ये भी करना चाहिए, अरे ये भी करना है, इसमें ये भी डाल देता हूँ, अरे उसमें भी डाल देता हूँ, तो ये थोड़ा कुछ पॉइंट है ना आपकी बुक में, आप बुक्स लिखने से पहले आप एक दो पेज लेना, ऐसा पेज लेना, ठीक है? उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट मेन मेन चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ हाईलाइट कर देना, वो सारी चीज़ें हाईलाइट कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप जो भी काम करने वाले हो ना वो बहुत सही तरीके से कर पाओगे, ठीक है? तो इस बात का मेन ध्यान रखना आप, और ये नहीं करोगे ना तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपके साथ, क्योंकि आपका मेन टारगेट ही क्लियर नहीं है ना तो फिर कहाँ से होगा, ठीक है? तो अभी ये सारी चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। ये चार पॉइंट थे जो मैंने बताया, जो आपको विशेष ध्यान रखना है बुक को लिखने से पहले, अभी लिखना चालू कर सकते हो जो भी आप करो, ठीक है? कहीं पे भी, ठीक है? क्रिएट आउटलाइन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मेरी बुक की आउटलाइन है, सबसे बड़ी हेडलाइन है, जो हेडिंग है, जो टॉपिक है वो है हाउ टू बीट योर हैबिट्स। जो आपका ये टारगेट क्लियर होना चाहिए, जो भी आपका ये है ना, इसे क्या बोलते हैं, हैबिट्स से रिलेटेड जो भी आउटलाइन है वो क्लियर और टू द पॉइंट होना चाहिए। वो बुक का कवर रहता है ना, वो फिक्स टू द माइंड फिक्स होना चाहिए, इस बुक में क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज़ योर स्टोरी स्ट्रक्चर, तो किस तरीके से आपकी स्टोरी है ना उसका स्ट्रक्चर आप क्लियर कर लो। पांच पॉइंट में देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई अगर साइंस फिक्शन मूवी लिख रहे हो या फिर कॉमिक्स लिख रहे हो ना, तो उसका पांच या देखो मैं शॉर्ट में बताऊँगा, छोटी कॉमिक्स लिख रहे हो आप 50 से 60 या फिर 100 पेज की जो भी, तो उसमें 5 या 10 कर सकते हो, पांच स्ट्रक्चर डाल सकते हो, ठीक है? कैसे हीरो की मतलब कैसे हीरो की स्टार्टिंग हुई, मतलब जो उसकी तो लाइफ थी ना, बॉर्निंग लाइफ के यहाँ पे पैदा हुआ, फिर ऐसा ऐसा हुआ, वो 5 स्ट्रक्चर में हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टाइप, ठीक है? ठीक है, उसमें आप उनको बता सकते हो कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे बॉर्न हुआ, फिर कैसे क्या हुआ, फिर आगे क्या बढ़ा, फिर सेकेंड आ जाता है टीनेजर, जहाँ से उसकी लाइफ चेंज हुई, ठीक है? थर्ड में वो सक्सेसफुल हो जाए, नहीं सेकेंड में आएगा, सेकेंड में वो टीनेजर था, थर्ड में आएगा स्ट्रगल, और फोर्थ में आएगा उसकी सक्सेस, वो सक्सेस होते होते हुआ है, और फिर पाँच में लास्ट में जो भी वो विलन से फाइट कर रहा है, और जो भी विलन से फाइट कर रहा है या फिर वो उससे जो भी अपना काम कर रहा है उसमें बहुत बड़े लेवल पर सक्सेस आया, जो भी उसकी प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करके आगे बढ़ गया। तो ऐसे करके पाँच स्ट्रक्चर डाल सकते हो, और भी 10 भी डाल सकते हो। तो ये मैंने बेसिक बता दिया आपको कि आप किस तरीके से आपकी स्टोरी में स्ट्रक्चर डाल सकते हो, जो आपकी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगर आपकी स्टोरी में स्ट्रक्चर नहीं है ना तो बहुत पीछे रह जाओगे आप, ठीक है? स्ट्रक्चर टू द पॉइंट होना चाहिए। अगली बात पर आते हैं, ठीक है? चूज़ योर स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? क्रिएट आउटलाइन हो गई अपनी, पॉइंट ऑफ व्यू भी हो गया अपना, ठीक है? अगला आते हैं 9th, पिक अ राइटिंग सॉफ्टवेयर टू राइट फास्ट। देखो अगर आप लिख लिख कर बुक में या फिर आप उस तरीके से चार लिखोगे ना, किसी डायरी में लिखोगे ना आप बुक, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मिनिमम आपको 1 साल तो लगने वाला है। अगर आप 1 साल मिनिमम लगेगा अगर आप आपके रफ में या फिर कोई फेयर में आप लिख रहे हो या फिर डायरी में लिख रहे हो आपकी बुक, जो भी बुक को आप लिख रहे हो ना, अगर आप रफ में लिख रहे हो या फिर डायरी में लिख रहे हो, तो उसको कम से कम 1 साल कंप्लीट होने में लगेगा, और 1 महीना उसको ई बुक के फॉर्म में कंप्लीट, ई बुक या PDF या फिर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, जो भी गूगल डॉक्यूमेंट रहता है ना, डॉक्सीट रहता है, उसको कन्वर्ट करने में 1 महीना वो लगेगा। तो ऐसे करके आपको करीब 1 साल 3 महीने लग जाएगा आपकी बुक को पब्लिश करने में। तो मैं इसके लिए यही बोलूँ कि आप डायरेक्ट ही आप कोई ऐप चूज़ कर सकते हो, ठीक है? जिसमें आप बोल कर भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कौन सी ऐप का यूज़ किया था, गूगल डॉक्यूमेंट करके था, गूगल का रहता है अपना, ठीक है? तो उसमें मैंने मेरा लिखना चालू कर दिया, उसमें आउटलाइन लैपटॉप में मैंने मेनली लैपटॉप में स्टार्ट कर दिया था लिखना,
नहीं यहाँ पे लाइट से नहीं आ रही, उसके उधर ही रख लेना। तो ठीक है, तुम यहीं पे रहो, मैं यहीं से यहाँ पे मैं आपको देख रहा हूँ, तो पर मैं आपको टू द पॉइंट क्लियर देख रहा हूँ। अगर इधर देखता हूँ आपको, मैं आपको देखता हूँ ना लैपटॉप में, तो उससे क्या रहता है कि मेरी आँखें जो भी आई कॉन्टैक्ट रहता है ना वो ऑफ से नहीं बन पाता। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पे देखूँगा तो सही देखूँगा, ठीक है। हाँ सही देखूँगा मैं आपको, तो यहाँ पे आज सिर्फ आपके फेसेस दिख रहे हैं मुझको यहाँ पे, ठीक है। तो इसी बात पर आर यू एक्साइटेड एनर्जेटिक, अगली बात पे बता दें फिर, ठीक। कौन सा सॉफ्टवेयर है बता दें, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं लिख रहा था, ठीक है। तो मेनली मैंने दो या तीन सॉफ्टवेयर यूज़ किए थे, ठीक है। फर्स्ट गूगल डॉक्यूमेंट इन लैपटॉप एज वेल एज इन माई मोबाइल ऐप, ठीक है। और फिर एक नोट्स करके रहता है अपना मोबाइल का, इसका एप्लीकेशन, उसमें भी यूज़ किया है, ठीक है। और थर्ड अपना ये PDF फॉर्म में अपना ये गूगल डॉक तो अब था ही, ठीक है, पर उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको मेरी कहते हैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देता था, जो भी जितना भी टू द पॉइंट हो चुका है उसको अपलोड करके कर देता था मैं, ठीक है। जिससे कि हमेशा के लिए वो कंटेंट रहे, बाद में कॉपी करके पेस्ट कर दो अपना जो भी यहाँ पे भी इम्प्रूव करना है, यहाँ पे भी कुछ करना है एसोसिएट, ठीक है। तो ऐसे करके डॉक्यूमेंट में मेनली मेरा जितना भी परसेंट था 80% काम था मेरा गूगल डॉक्यूमेंट से ही हुआ है, 20% अदर ऐप्स मैंने यूज़ किए थे, ठीक है। जमाने के लिए एडिटर हायर किया था, उसने थोड़ा सा कुछ जमा दिया था, उसने कुछ 5 से 6 हज़ार रुपये चार्ज किए थे पूरी बुक को जमाने का, उसका बहुत ज़्यादा चार्ज रहता है, पर वो अपने मैंने भी उसने पहले मुझसे काम सीखा था, तो उस कारण से मैंने उसने मुझसे रुपए कम चार्ज किए थे, करीबन एक पेज के कुछ करीबन 200 या 250 लेते हैं एक पेज के, और ज़्यादा रुपए चार्ज करते हैं इतना मुझको ध्यान नहीं, पर उसने पूरे 5 हज़ार लिए थे अपनी बुक के, बुक में लगभग 140 या 145 पेज हैं, दो अंग बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या कहता अपना सॉफ्टवेयर चूज़ कर लिया अपन ने, कौन सा गूगल डॉक्यूमेंट। तो उसको क्या है कि गूगल डॉक्यूमेंट जैसे ही आप चूज़ करते हो ना, उसमें बोलने का भी ऑप्शन आता है, जो भी अगर आपको रैंडम थॉट आ रहे हैं या फिर क्वाट आ रहे हैं या फिर कोई भी आपको चीज़ सुनने को आ रही है आपके दिमाग में आ रही है, तो आप उस नोट्स वाला रहते ना जो भी आपके नॉर्मल मोबाइल में रहता है, नोट्स में आपने कलेक्ट कर दिया कि इस चैप्टर में मैं ये लिखने वाला हूँ, रैंडम क्वाट आया वो लिख लिया उसमें, ठीक है, रिकॉर्ड करके डाल दिया नोट्स वाले में, ठीक है। और अपना जो भी है ना अपना जैसे कि गूगल डॉक्यूमेंट, अब जब भी टाइम मिले ना, जैसे कि आपके पास टाइम नहीं है इंग्लिश में लिख रहे हो, तो इंग्लिश में आप बोल के भी लिख सकते हो, बाद में करेक्ट हो जाए, पहले आप आपकी बुक को कंप्लीट करने फोकस करो, फिर दोबारा अपन रहेंगे ना उसको करेक्शन करेंगे, फिर एडिटिंग होगी, फिर दोबारा एक बार सही तरीके से जमेगा, फिर उसके बाद एडिटिंग होगी, फिर उसके बाद चेक होगी, तो वो सारी प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊँगा, पर पहले अपनी बुक को कम्प्लीट करने पर फोकस करो, राइट कर रहे हो ना उसको कम्प्लीट करने पर फोकस करो, जैसे बुक कम्प्लीट हो जाएगी फिर वो सारी प्रोसेस में भी आएंगे अपन, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद टेंथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बोलना चाहूँगा गेट अ कोच, जैसे कि अभी ये देख रहे हो ना, तो अगर आप अभी इसको देख रहे हैं ना जो सब कुछ मैं सारी प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद दिक्कत क्या आती है कि अगर आप आपके बाद जो भी रहते हैं ना, जो तो मैंने पूरी प्रोसेस बता दूंगा मैं सारी, अगर आप खुद से कर पाओगे तो कर लोगे आराम से, ठीक है। पर दिक्कत का आती है ना, बहुत जगह प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, आप यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे क्या करूँ, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको एक कोच की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो भी आपके कोच हैं, मैं आपको रिकमेंड तो क्योंकि अपने इंडिया में इतनी कोई खास है नहीं जो बुक को बुक लिखने में हेल्प करें, पर मैं आपको बोलूँगा कि आप माय मेंटर मनीष सर को मैं रिकमेंड करूँगा, माय मेंटर उन्होंने मेरी हेल्प की थी, ठीक है। और एक और कौन थे यार, बातला करके कोई थे, उनकी ट्रेनिंग भी बड़ी है, वो भी बुक से रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं, और या फिर आप मुझसे ही कर लो, ठीक है, हमारा ही प्रोग्राम है, मैं इस प्रोग्राम में ज़्यादा लोगों की हेल्प नहीं करता, मैं सिर्फ 1-to-1 प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में, मैं सिर्फ लोगों की बुक मतलब टू द कंप्लीट, जब तक उनकी बुक कंप्लीट नहीं हो जाती पब्लिश होने के लिए, तब तक मैं उनकी हेल्प करता हूँ स्टार्टिंग से एंड तक,
जो भी उनकी बुक का टाइटल होगा, टाइटल से लेके एंड तक मैं हेल्प करता हूँ, वन टू वन गाइड करता हूँ मैं। तो इस कोचिंग के, इस प्रोग्राम के जाना नहीं, 10,000 रुपये चार्ज करते हैं जब तक बुक कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। तो सारा पेमेंट तो एडवांस ही होता है, फिर मैं आपकी पर्सनली हेल्प करता हूँ इस प्रोग्राम में, ठीक है। हाउ टू राइट योर बुक ऐसे करके, ये पर्सनली रहेगा, ये वन टू वन रहेगा, इसमें ना 10 जने हों ना 50 जने हों, सिर्फ मैं और आप रहेंगे इस प्रोग्राम में, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा इस बुक को कंप्लीट करने में। जो भी आप बुक लिख रहे हो ना, उसको मैं स्टार्टिंग से लेके, जैसे कि मेरी बुक है ना, जैसे कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं आपकी हेल्प करूँगा, पब्लिशिंग से पब्लिशिंग तक। और पब्लिशिंग के ऊपर आपके ऊपर डिसाइड करेगा कि आप कैसे पब्लिश करवाओगे उसको, पब्लिशर के थ्रू करवाओगे या सेल्फ पब्लिश करवाओगे, एंड तक मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो ये आप एक कोच ले सकते हो, आपको कोच तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी ना, वहाँ पे अगर आप सोचोगे कि अगर आप, मैं आपको बोलूँ बुक आप कंप्लीट ही नहीं हो पाए, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास कोच नहीं है ना, तो आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, आप थोड़े, अरे छोड़ो मैं नहीं लिख रहा बुक को, वही बुक मतलब कि ऐसा होता है क्या, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बुक लिखते लिखते। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, तो अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर आपको जल्दी करवाना है जो भी काम, जो मुझको सारा, जैसे कि मैंने मेरी बुक पब्लिश करी, मुझको सारा एक्सपीरियंस हो चुका है कि कहाँ पे क्या दिक्कत आती है, कैसा कैसा प्रॉब्लम होता है, कैसे बुक पब्लिश करवाते हैं, कैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं, कैसे डिलीवरी का सिस्टम रहता है, कैसे सेल पब्लिश्ड होती है, और पब्लिशर हाउस करवाते हैं तो वो कैसे होती है, तो ये सब कुछ मुझको मिल चुका है, जो मैंने सीखा है। तो मैंने 1.5 लाख रुपये बुक में पब्लिश करा के हुई, तो वही सेम बुक आपकी पब्लिश हो जाएगी लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये में, ठीक है। तो ऐसा करके होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो एक पर्सनल कोच रहे ना, तो ये कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं, ये वन टू वन प्रोग्रामिंग रहती है, कंसल्टिंग रहती है मेरी और आपकी, अगर इसमें आप आना चाहते हो, ठीक है। तो अगला आता है अगला पॉइंट, जो तो इसके लिए आप मेरे मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, या तो इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मेरा नंबर ले लो अभी, ये मेरी टीम कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है, 6261608037, आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर के थ्रू, ठीक है। फिर मेरी टीम से बात होने के बाद फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। 6261608037 नंबर पर याद रखो। अगर आपकी बुक पब्लिश करवानी है आपको स्टार्टिंग से लेकर, अगर आप बुक का आइडिया भी नहीं, तो आप, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। अगला आते हैं, एस्टेब्लिश अ राइटिंग रूटीन, जो भी आपका रूटीन है ना, एक फिक्स रूटीन कर लो कि मुझको, मैंने मेरी बुक लिखी थी ना, तो मैं तो इतना डेस्परेट हो चुका था, मैंने एक महीने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, जब तक मैंने बुक कम्प्लीट नहीं की ना। हाँ, मेरे पास रॉ मटेरियल था लगभग 4 से 5, मेरे पास रॉ मटेरियल था बहुत सारा, करीबन मेरे पास कितने थे, 850 पेजेस थे मेरे पास रॉ मटेरियल, जो भी मैं डायरी लगता था मेरी, तो वो मेरे पास रॉ मटेरियल था, उसको सही फॉर्म में क्रिएट करना था, उसको लिखना था। तो फिर एक महीने में मैंने क्या था कि लॉकडाउन लग गया था, तो मैंने मनीष सर का कमांडो कैंप ज्वाइन किया था, तो वहीं पे कमांडो कैंप में मैंने लिखना स्टार्ट किया था मेरी बुक, और लगभग कमांडो कैंप एंड हुआ तो मेरी बुक की रॉ मटेरियल तैयार हो गई लगभग। मेरी बुक में कितने हुए थे, 220 पेज मैंने कुछ लिख लिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट किया, फिर उसके बाद टू द पॉइंट या मीनिंगलेस वर्ड को काटा, उसको समराइज़ किया, फिर उसके 3 महीने बाद हमने बुक पब्लिश करवा ली थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो एक टाइम सेट कर लो, जैसे कि 10 से 12, जैसे कि अगर आप ऑफिस में काम करते हो, स्कूल में काम करते हो, या फिर आपका अगर आप 35-40 साल के हो, तो आप ऑफिस का भी काम रहता होगा आपके पास, आप कंपनी का भी काम रहता होगा, तो इस सब को छोड़ने के बाद मैं आपको बोलूँगा कि आप एक ऐसा रूटीन सेट करो कि 10 से 12 रात को, या फिर 1 घंटे डेली बुक लिखो। देखो, अगर एक आपका फिक्स्ड टाइम रहेगा ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आपका काम कंप्लीट कर पाओगे, और एक फिक्स्ड टाइम पर एक डेडलाइन सेट कर आप आपकी बुक को कंप्लीट कर लोगे। अगर आप डेली अपनी बुक को नहीं लिखोगे ना, तो आपको करीबन 4 से 5 साल में भी आप आपकी बुक नहीं लिख पाओगे, अगर डेली बुक नहीं लिखोगे तो। भले ही आप 1 घंटा लिखो, आधा घंटा लिखो, पर डेली बुक लिखो, जिससे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है।
वो आप आपकी बुक को कंप्लीट भी कर पाओगे जल्दी से जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से उसको काम कर पाओगे। ठीक है, अगला कि एक सेट कर लो अपने रूटीन की, मैं इतने बजे तक क्या करूँगा, इतने बजे तक मैं मेरी बुक लिखूँगा, उसके बाद मैं जो मेरा पर्टिकुलर काम है वो मैं करूँगा। तो डेली एक रूटीन सेट कर लो अपना, जिससे आप टाइम टू टाइम अपना काम कर पाओ। ठीक है, अगला पॉइंट, कंसीडर ऐप फॉर राइटिंग इन योर फोन एज वेल एज इन योर लैपटॉप और एज वेल एज इन योर आईपैड। अगर आपके पास आईपैड है तो आईपैड में भी रखो वो सेम ऐप आपकी लैपटॉप में भी रखो और सेम ऐप आपकी मोबाइल में भी रखो, जिससे क्या होगा कि आप कहीं पे भी रह रहे हो ना तो उसको आप अपलोड भी कर दिया करो और जहाँ से कि लैपटॉप में जहाँ तक हो चुकी है आपकी बुक तो उससे आगे कंटिन्यू करना तो आपके मोबाइल में कर सको। अगर आपके पास आईपैड है आपका तो आईपैड में भी आप कंटिन्यू कर पाओ का आगे की कहानी जहाँ तक कंप्लीट हो चुका है पर वहाँ से आगे बढ़ सके। तो स्टार्टिंग के फेज़ में क्या हुआ था कि जब मैंने बुक एक महीने तक लगी थी तो मतलब एक महीने मैंने रॉ मटेरियल कंप्लीट कर लिया था, तो क्या हुआ था कि आधा मेरे लैपटॉप में था, आधा मेरा कदम कुछ चैप्टर्स मेरे उसमें मोबाइल में थे, तो इस कारण से आधे आधे हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, पर उसको लगो लगो करीबन करीबन मेरे को 3 से 4 दिन लग गए सारे मटेरियल को एक जगह इकट्ठे करने में, मतलब लैपटॉप में एकत्रित करने में। तो ये होता है आपके साथ, ठीक है, ये मेरे साथ हुआ और आपके साथ भी होगा ये रिसेंटली अगर आप नहीं करोगे तो ये काम। तो सेम ऐप आप यूज़ करो लैपटॉप में भी और एज वेल एज आपके मोबाइल में भी, और अगर आईपैड है तो आईपैड में भी, तो उससे आप अच्छे तरीके से वो काम कर पाओ। जैसे कि मैंने गूगल डॉक्यूमेंट रिकमेंड करूँगा तो वो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है आपके लिए अपने काम करने के लिए। ठीक है, तो अगली बात 13, रिवाइज योर स्टोरी। जो भी आपकी स्टोरी है जितनी भी कंप्लीट हो चुकी है उसको देखो, लास्ट चैप्टर पीछे जाके देखो, अगर आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हुए, 8वें चैप्टर लिखने वाले हो और एक हफ्ते से कोई कारण से, एक हफ्ता हो चुका है और आपने कोई कारण से आपकी बुक को नहीं लिखा है और आप 8th चैप्टर लिखना चाहते हो, तो उससे पहले एक बार आप रिवाइज कर लो आपने अभी तक क्या लिख दिया, भले ही 10 मिनट करो 15 मिनट करो, मतलब मेन हेडलाइन देख लो, उससे क्या हुआ कि आपको पता रहे कि अब आगे क्या लिखना है। नहीं, अगर आप डायरेक्ट 7 चैप्टर कंप्लीट हुए और 8 चैप्टर लिखना चालू करोगे ना तो आप स्टोरी भटक जाओगे, जो लिखना चाहते हो ना वो कभी लिख नहीं पाओगे। ये मेरे साथ हुआ था, ठीक है, तो लगभग लगभग मेरे परिवार में दादाजी थी जब मैं गांव पर रुक रहा था, ठीक है, तो मैं बुक लिख रहा था मेरी, तो बुक कंप्लीट हो गई थी मेरी, ठीक है, लास्ट फॉर्म चल रहा था, मतलब वो कंप्लीट हो गई थी मेरी, ठीक है, पर उसको हम जमा रहे थे, मतलब फर्स्ट टाइम 220 पेज हुआ था, पर उसको कंक्लूड करके तो उसको समराइज करते करते लिखते जा रहे थे, ठीक है, पर मेरे लवला 9 चैप्टर था, वो 9 चैप्टर को मैं लिख रहा था, तो 10 चैप्टर एक नई तरीके से लिख रहा था मैं, ठीक है, तो 9 तक तो मैंने ठीक ठाक लिखा जब तक फॉर्म में था, पर दादाजी एक्सपायर हुए थे तो 15 दिन तक मैंने रेस्ट ली मेरी बुक लिखने के लिए। तो फिर मैंने उसको 10 चैप्टर को लिखना चालू किया तो लवल मैंने 5 से 6 पेज लिखे, तो फिर मैंने देखा कि अरे भैया मैं क्या लिख रहा था और क्या लिख गया। तो उसमें मैंने लवल एक चैप्टर था 5 से 6 चैप्टर के बाद मुझको 5 से 6 पेज के बाद मुझको रिलाइज नहीं हुआ, पर जैसे ही 10 चैप्टर कंप्लीट हुआ 11 लिखने वाला था तो फिर मैं टॉपिक से भटक गया कि मेरा अगला टॉपिक क्या है, अगला चैप्टर क्या है। तो उस तरीके से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको आपकी जो भी स्टोरी है कि अगर आप 7 से 15 दिन 1 महीने अगर आप बुक नहीं लिख पा रहे हो तो आपका जो भी चैप्टर है उसको पीछे का चैप्टर रिवाइज करो पर उसके बाद आगे लिखना चालू करो। पर जी गलती मैंने की थी, पर मैंने 10 चैप्टर को दोबारा से लिखा, वो जितना भी था वो सारा चैप्टर 10 चैप्टर था, वो 12th वाला चैप्टर था, पर उसका बहुत सारा लगभग 30% मटेरियल मेरा 12th चैप्टर में यूज़ हुआ था उस चैप्टर का। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप टू द पॉइंट तैयार करें, आपको जो भी काम कर रहे हो ना टू द पॉइंट आपकी स्टोरी रिवाइज करें फिर उसके बाद कंप्लीट करें। अगला कि वर्क विद अ पीटर रीडर्स। देखो आपकी बुक आप लिख रहे हो ना, ठीक है, पर उसके बाद आपकी एक रॉ मटेरियल तैयार हो गया, पर उसके बाद जैसे कि मेरे पास ई बुक का रॉ मटेरियल था तो मैंने वो ई बुक का था, ई बुक की फॉर्म में लॉन्च कर दी थी, ठीक है, मैंने कि लगभग 220 पेज थे, पर एक बार कंडेंस की थी तब हमारे पास थे लगभग 165 या 169 पेज थे हमारे पास,
तो उसको हमने ई बुक के फॉर्म में लॉन्च कर दिया। तो ई बुक की फॉर्म था ना बीटा रीडर की तरह से, जैसे कि बीटा टेस्टर रहते ना जो भी कहते हैं, यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स थी ना वो बीटा के फॉर्म में टेस्ट करी थी, अपना इंस्टाग्राम के बीटा वर्जन रहते हैं जो भी मतलब थोड़े एडवांस फीचर आ जाते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। तो मैंने ई बुक को ऐसे ही टेस्ट किया तो वहाँ से मुझको एक बढ़िया रिव्यू मिला, और वहाँ पे मुझको बेकार रिव्यू मिलता तो मैं थोड़ा मेरी बुक को इम्प्रूव करता और भी जल्द करता। फिर मैंने इम्प्रूव करी, कुछ क्रिटिसिज्म मिले थे, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी, बहुत ज़्यादा सेंटेंस मिस्टेक थी, ठीक है, तो थोड़ी ग्रामर भी करेक्ट नहीं थी। तो वहाँ से मैंने सुधार कर मेरी इस बुक में जो मेन कंटेंट है इसमें डेवलप कितने पेजेस हैं, और इसमें 134 पेजेस हैं इस बुक में, ठीक है। तो इसमें 169 पेजेस से हमने इसमें 134 कर दिए, जो भी समरी थी गलती मिस्टेक में तुम्हें वो जो मिस्टेक थी उसको हमने इसमें कंडेंस कर दिया, ठीक है। तो अभी भी ये बुक सोल्ड आउट हो रही है, ये भी बढ़िया सेल आ रही है, इसमें भी जो भी मिस्टेक रहेंगी इसका जो फर्स्ट एडिशन था, अब सेकेंड एडिशन में वो सारी मिस्टेक नहीं होंगी, और कुछ नए चैप्टर्स भी ऐड होंगे ना वो ऐड करके फिर हम और इसको बड़े लेवल पर इंटरनेशनल इसके बेस्ट सेलिंग बुक का बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे इसको एक साल के अंदर बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए, और उसके लिए जितनी मेहनत लगी वो करेंगे हम, और हम बजट भी बनाएंगे, सोशल मीडिया के थ्रू भी करेंगे, फेसबुक एड्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के गूगल एड्स, ये सारे एड्स यूज़ करेंगे, और इसमें हमने उस लेवल के एड्स वगैरह यूज़ नहीं किए, छोटे लेवल पर ही किए हैं, ठीक है। अगला हायर आ प्रोफेशनल एडिटर 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, या तो आप 5-6 एडिटर हायर कर लीजिए सस्ते वाले 2-3 हज़ार रुपये दे के, या फिर एक ही आप प्रोफेशनल एडिटर हायर कर लीजिए जो 5-10 हज़ार रुपये चार्ज करेगा आपकी बुक को एडिट करने के लिए, ग्रामर मिस्टेक से लेके हर एक चीज़, उसके फॉर्म फॉन्ट, ठीक है, डिज़ाइन, पैराग्राफ, हर एक चीज़ को टू द पॉइंट कर देगा वो, पेज सेटअप हर एक चीज़ सही कर देगा। या फिर आप वो ये 2-2 हज़ार वाले 2-3 कर लीजिए या 4-5 कर लीजिए, उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है, और आपकी बुक का जो दिखता है वो बिकता है उस टाइप का रहेगा, ठीक है। और एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हायर कर दीजिए, करीबन करीबन आपको $10 से $15 खर्च करने, आपके फ्रंट और बैक के पेज रहता है ना जो रहता है उसको बनवाने में, क्योंकि अगर आप खुद ही बनाओ ना तो उस लेवल के आप वीडियो एडिटर या फिर जो भी रहते हैं ना उस लेवल की आप क्रिएटिविटी नहीं कर पाओगे आपकी बुक सेल करने के लिए। तो आपका मेन पेज रहता है, जो दिखता है वो दिखता है, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द फर्स्ट इंप्रेशन, यू विल नेवर गेट सेकंड चांस टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो अगली बात हायर अ प्रोफेशनल एडिटर, तो ये अभी तक का हाउ टू स्टार्ट राइटिंग बुक से रिलेटेड, आप अभी से ये काम करके आप बुक लिखना अभी चालू कर दोगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हाउ टू पब्लिश योर बुक, जी हम बात करेंगे यहीं पे, ठीक है। तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए आप, 2 मिनट से स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए आप, 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए आप सभी, ओके, और क्या पानी पी लीजिए, और अगर आप थक गए हो तो आप रेस्ट कीजिए, और आप थक गए हो तो रेस्ट कर लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, प्रयोग कर लीजिए, थोड़ी डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, जो भी आपको करना हो आपके हाथ पैर से ही कर लीजिए। अगर आप YouTube पे देख रहे हो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, अगर आप YouTube पे देख रहे हो इस वीडियो को तो थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो चुका है, चलो 2 घंटे खत्म हो चुके हैं। दो घंटे ख़त्म हो चुके हैं, चले 3rd घंटे के लिए स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद सिर्फ 2 ही पॉइंट बचे हैं,
कि हाउ टू पब्लिश योर बुक, इस पॉइंट में हम बात करने जा रहे हैं कैसे हमको अपनी बुक को पब्लिश कराना है, और इसके बाद फिर है हाउ टू सेल योर वर्क, अपनी बुक को कैसे सेल करना है। तो हर एक चीज़ बात करने वाले हैं ये सात दोनों टॉपिक पे डीपली। तो मैं अभी ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो चुका है, तो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक काम कीजिए इसको शेयर कर दीजिए, और मैं आप जितने भी अभी इसको अटेंड कर रहे हैं ये 40+ पीपल, तो मैं आप सभी से यही बोलूँगा कि इसको आप जैसे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी जो भी आपको आपका रह चुका है उसको, एक काम करना है कि इसको यूट्यूब पे जो भी वीडियो पब्लिश हो जाएगी ना कम से कम आप 10 लोगों को शेयर करना। भाई साहब इतना फ्री कंटेंट दे रहे हैं तो कुछ तो वैल्यू करो हमारी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कि देखो पब्लिश बुक करने के लिए कि गेट योर, देखो पहले तो डायरेक्टली मैं बताऊँ तो तरीके से आप बुक पब्लिश करा सकते हो, एक एजेंसी के थ्रू सब कुछ वो संभाल लेगी आपका पब्लिशिंग से रिलेटेड, एडिटिंग हर एक चीज़। या फिर देखो एडिट एजेंसी को आप करीबन कितने 25,000 रुपये दोगे मिनिमम, एजेंसी चार्ज करेगी कितने 25,000 रुपये चार्ज करेगी, और फिर उसमें से वो आपको 30-40% हर एक बुक पर रेवेन्यू देगी, ठीक है जो भी रहता है, ठीक है। या फिर आप खुद से कर सकते हो सेल्फ पब्लिशर्स में, थोड़े आपके रुपये भी कम लगेंगे और आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। तो मैं इसके लिए रिकमेंड करूँगा कि आप सेल्फ पब्लिश्ड करो बुक को, ठीक है, जो मैंने किए और जो मैंने गलत किए वो भी बताऊँगा। तो एजेंसी देखो बहुत, देखो मिनिमम आपको कम से कम 30-35,000 रुपये या 25 से लेकर 35,000 रुपये मिनिमम चार्ज करेगी एक कंपनी आपसे, और मैक्सिमम 1,00,000 रुपये, ठीक है। तो पहला कि आप स्टार्ट करो कि जो भी बुक है ना आपकी, तो पहले तो आपकी बुक को कंप्लीट कर लो। मैंने आपको बोला अभी लास्ट पॉइंट था, आपने एडिटिंग करवा ली और बुक को था, ठीक है, बुक को कंप्लीट कर लिया। अब बुक को हर एक तरीके से कंप्लीट कर लो, उसमें कुछ भी रहना जा कि यहाँ पे पेज की प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई। सेकंड, गेट योर बुक एडिटेड, अभी लास्ट में बात की एडिटर हायर करो और बुक को एडिटिंग करवा लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अब बुक को पब्लिश करवा रहे हो, ठीक है, परचेज योर ISBN नंबर, आपका जो भी ISBN नंबर है वो आप परचेस कर लो, ठीक है। यूट्यूब पर देख लेना हाउ टू अप्लाई फॉर ISBN नंबर, और आप एक एजेंसी के थ्रू करते हो तो आपको लगभग 15-20 दिन में आराम से आ जाएगा, और अगर आप खुद ISBN नंबर के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें मुझको लगभग 2.5 महीने लग गया तो मेरे ISBN नंबर को आने में, ये है ISBN नंबर ये यहाँ पर रहता है, उसको आने में 2.5 महीने लग गया, तो सबसे ज़्यादा टाइम दिया इस कारण से मैंने मेरी बुक को भी पब्लिश नहीं कराया था। तो ये एक बड़ी दिक्कत है, अगर आप खुद से अप्लाई करोगे ना, अगर सही तरीके से सब कुछ कर पाए तो आपको 15-20 दिन में मिल जाएगा। या पर कोई डॉक्यूमेंट रह गई, या पर आपको सेल्फ करते ना तो लगभग 1 महीने से लेकर 2-2.5 महीने लग जाते हैं, और अगर आप कंपनी से करवाते हो तो ये तो अगर आप एजेंसी से कराओ ना तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी बुक लिखना चालू करो, आपका नाम डिसाइड हो जाए तो उसी दिन आप आपकी बुक के नेम का ISBN नंबर अप्लाई कर देना। और जब वो ISBN नंबर आपने एक बार अप्लाई कर दिए तो कुछ दिनों बाद जो भी आपकी जैसी बुक कंप्लीट होगी, तो आप तब तक आपकी बुक कंप्लीट होगी तब तक आपके पास ISBN नंबर भी आ जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। भले ही कितना टाइम लगे, 2.5 महीने लग जाए तो 2.5 महीने आपको बुक को लिखने में नहीं लगेगा। जैसे कि मेरी बुक पर तो आपको डिसाइड हो कि मैं बुक लिख रहा हूँ हाउ टू वीडियो हैबिट्स, मेरी बुक हाउ टू वीडियो हैबिट्स करके मैं इस बुक को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस बुक को मैं लिख रहा हूँ तो सबसे मेरा मेंटालिटी है कि मैंने लिख लिया तो उसके लिए मैंने ISBN नंबर के लिए अप्लाई कर दिया, और ISBN नंबर अप्लाई कर दिया तो लगभग 2.5 महीने लगेंगे, 2.5 महीने में मेरी बुक कंप्लीट कर लूँगा, तब तक ISBN नंबर आया तो साथ में पब्लिश कराने के लिए दे देंगे। तो ये एक बात है, ठीक है, तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखें कि आपका ISBN नंबर आप अच्छे तरीके से अप्लाई करें। आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी हाउ टू अप्लाई फॉर ISBN नंबर, एक प्रोफेशनल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर एक टाइप से मान लो एक वेबसाइट मिलेगी आपको, उस वेबसाइट पे जाके आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा,
ठीक है, आपकी बुक की, बुक का नेम लगेगा, थोड़ी डिस्क्रिप्शन लगेगी उसकी, और क्या दो चार चीज़ें और हैं, वो आपका नेम, ठीक है, आपका कोई को ऑथर है तो आप जिसकी हेल्प कर रहे हो, आपका एडिटर अगर आपके एडिटर है तो, या फिर आप सेल्फ पब्लिश कर रहे हो तो आप खुद का ही नाम डाल देना, ठीक है, और आप कहाँ के रहने वाले हो, आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये मेन चीज़ हैं जो ऑनलाइन ही अप्लाई हो गया था, तो ये मेन चीज़ हैं, देखो आधार कार्ड, ठीक है, बात कर लो, लास्ट बार बोल रहा हूँ, आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, आपका नेम तो आपको पता ही होगा, एड्रेस, ठीक है, स्टेट जहाँ पे आप रहते हो, और पर्सनल आपका परमानेंट एड्रेस, आपका नेम, और आपका कोई को ऑथर है या फिर जहाँ से आपका बुक पब्लिश करा है उनका नेम, ठीक है, या फिर आपके कोई को ऑथर है, एडिटर है उनका नेम, और जो भी आपके मैन का बुक का 22 वर्षों पेज रहता है उसका, मतलब कहाँ से पब्लिश करा रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, 22 वर्षों पेज रहता है, और आपके जो भी आप ग्राफ का डिज़ाइन लगेगा ना आपका बुक का डिज़ाइन, ये फ्रंट और बैक ये दोनों पब्लिश करवाते हैं, ठीक है, दोनों पेजेस चाहिए आपकी बुक के, ठीक है, आपने देखो आप एक दो चैप्टर कंप्लीट हो गए आपकी बुक के, तो आप आपका बुक का डिज़ाइन है ना, बुक का कवर आगे बनवा लो, बहुत अच्छे तरीके से बना लो, और आप उसके, और एक बार आपका फ्रंट और बैक पेज बन गया ना, तो उससे आप आपका प्रमोशन भी कर सकते हो ना, प्री बुक सेलिंग कहते हैं उसको, प्री बुक सेलिंग भी कर सकते हो, और आप इसके आपके ISBN नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो ISBN नंबर को अप्लाई कर दोगे ना तो आपका दोनों काम हो जाएगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे आ गए अपन, अगला पॉइंट कि फोकस ऑन योर बुक कवर डिज़ाइन, तो सबसे इम्पोर्टेंट भाई साहब ये चीज़ तो आप ध्यान रखना, आपकी बुक की कवर की डिज़ाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपको बेस्ट सेलिंग बुक बनाना है ना, तो आपको बुक कवर के फ्रंट और बैक पेज को दोनों को अट्रैक्टिव बनाना होगा, आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करना है, और उससे रिलेटेड जो आप चाहते हो, जितने भी आपकी फील्ड में जितनी भी एक्स्ट्रॉर्डनरी बुक हैं, बेस्ट सेलिंग हैं, मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, उन सब से इंस्पिरेशन लेना, उन सब के कवर डिज़ाइन देखना, और क्या आप ऐड कर सकते हो, क्या हटके कर सकते हो, क्या आप क्रिएटिविटी लगा सकते हो आपकी, सब कुछ लगाने के लिए बाद आप करना, क्योंकि आप देखोगे ना कि जो बेस्ट सेलिंग बुक हैं उनके कवर सारे डिफरेंट रहते हैं, और थोड़ा, और आप वैसे नॉर्मल बुक के देखोगे ना तो वो मतलब नॉर्मल बुक रहती हैं, अमेजोन पर डली रहती हैं, वो अमेजोन पर और बहुत सारी बुक्स जो कभी 2, 5, 10, 50 मुश्किल से सोल्ड आउट होती हैं, तो उनके पीछे कारण क्या रहता है कि उनके कवर डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव नहीं होते, तो इस बात का ध्यान रखो, जो दिखता है वो बिकता है, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, और अगला फिफ्थ, फाइंड अ बुक डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि आपकी बुक पब्लिश हो चुकी है, ठीक है, अब आपने बुक पब्लिश करवा ली, सेल्फ पब्लिश्ड हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब सेलिंग में ही ये आ गए, ये प्री सेलिंग में आ गए ये सारी चीज़ें, ठीक है, ठीक है, फाइंड अ बुक डिस्ट्रीब्यूटर, जो ये बुक आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, आपने एक बार पब्लिश करवा ली, जो आपकी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, इंस्टाग्राम पे तो हो गया वो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ठीक है, शॉपिफाई, और जो भी, और एक दो और ऐप होंगे जो भी, ठीक है, क्लब फैक्ट्री, मीशो, जो भी, अगर आप उन पे भी करवाना करना चाहते हो तो उन ऐप पे भी कर पाओ, ठीक है, या आपकी वेबसाइट पर भी, तो एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करो जो आपकी सारी बुक को मैनेज करे, सेलिंग से रिलेटेड सब कुछ, हर एक चीज़ मैनेज करे, नहीं अगर आप खुद ही करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा उस चीज़ में, तो वो उस लेवल का बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाएगा आपका, और वो भी नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँ कि आप एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर लो, तो उसको जो भी 5% 10% अगर सेल्फ पब्लिश करवा रहे हो तो वो उसको 9 रुपये दे देना, और वो आपके लिए हर एक चीज़ काम करेगा, पैकिंग से लेके हर एक चीज़ तक, डिस्ट्रीब्यूशन तक, जब तक जो भी जैसे ही ऑर्डर आएगा वो सब कुछ देख लेगा, ठीक है। सिक्स, मार्केट योर बुक, देखो आपकी बुक को मार्केट करना चालू करना, जैसे कि मैंने ये सबसे बड़ी गलती की कि ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक लगती है मुझको,
कि मैंने मेरी बुक की प्री बुकिंग नहीं करी। अगर मैं प्री बुकिंग कर लेता तो मेरी करीबन करीबन 200 से 250 बुक जो मुझको स्ट्रगल करना पड़ा है स्टार्टिंग फेज में, कि 200 से 250 बुक मुझको सेल करने में बहुत टाइम लगा जैसे मेरी पब्लिश हुई उसके बाद। अगर मैं 200 से 250 या 500 बुक प्री सोल्ड आउट कर देता तो मैं रुपये भी बना पाता अच्छे लेवल पे, ठीक है, और इतना स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता मुझको। तो प्री बुकिंग का आपको मेन ध्यान रखना। 7, बी रियलिस्टिक, जानता हूँ उम्मीदें मत करो, डोंट ओवर एस्टिमेट, डोंट ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ मीन्स डोंट ओवर एक्सपेक्ट। तो ये ओवर एक्सपेक्ट और ओवर रेटेड चाहिए मत करना, ठीक है, स्टार्टिंग में। बी रियलिस्टिक, जो भी आप काम करो उसको रियल रहो और टू द पॉइंट रहो, ठीक है। ये जितने ज़्यादा फ्रेंड बनाओगे ना आपकी बुक के रिलेटेड, नए दोस्त बनाओ, नए लोगों से कनेक्ट करो, या फिर आप बड़े बड़े लोगों से भी करना चाहते हो ना, जो भी ऑथर हैं, या फिर उनसे आप एक बात बोल कर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जो भी बड़े बड़े लेखक हैं या फिर आपकी जो भी फील्ड में है, ठीक है, एक्सपर्ट टीचर सर प्रोफेसर, उनसे आप एक बात बोल कर बात कर सकते हो कि सर मैं मेरी बुक लिख रहा हूँ उससे रिलेटेड मुझे आपसे बात करनी थी, ठीक है, जो भी आपको टॉपिक है आप उनसे बात कर सकते हो, उनको फ्रेंड बना सकते हो। जैसे ही बुक पब्लिश हो उनको एक बुक तो उनको पहुँचा ही दो, मतलब उनसे बोलो कि सर बुक आ गई आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ऐसे करके आप जितने ज़्यादा फ्रेंड बनाओगे ना उतने ज़्यादा रुपए कमा पाओगे। अगला 9th, इफ़ यू सेल्फ पब्लिश योर बुक फर्स्ट गो फॉर 500। अगर आप आपकी खुद की बुक पब्लिश करवा रहे हो तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग में 500 बुक के लिए जाना चाहिए। मैंने भी गलती की, मैंने 1000 बुक पब्लिश करवा ली, उसमें मेरा बहुत बड़ा अमाउंट चला गया और मुझको स्टार्टिंग में 500 बुक पब्लिश करानी थी, मतलब टेस्टिंग में, बीटा टेस्टिंग में, क्योंकि एक बार आपकी 500 बुक सोल्ड आउट हो जाएंगी या अगर ना भी सोल्ड आउट हुई तो ऐसा लगे अरे जाना नहीं 500 बुक तो थी अपनी, ठीक है, तो आप उनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अगर आपकी 500 बुक मतलब 500 बुक ठीक है सोल्ड आउट हुई और उसमें अगर आपने 500 बुक ही करवाई परचेज, ठीक है, उसमें और बहुत सारी मिस्टेक हैं, तो आपको क्या है कि दोबारा आप पब्लिश करवा सकते हो 500 और। अगर आपने 1000 ही पब्लिश करवा दी डायरेक्ट तो उसमें मिस्टेक होंगी, या फिर आप एजेंसी से काम करवाओगे ना तो वो प्रिंट ऑन डिमांड रहता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ये की बात बोलूँगा कि आप स्टार्टिंग 500 पेज बीटा पेज में, ये हमारे फर्स्ट एडिशन है तो इसमें 1000 अपने बुक पब्लिशिंग करवाई हैं, ठीक है, तो इसमें हमको क्या सीखने को मिला, ये हमको स्टार्टिंग 500 करवानी थी, इसमें क्या थोड़ी चीज़ हो गई कि कुछ आगे पीछे हो गया है, मतलब कुछ पैराग्राफ हैं सेम चैप्टर में थोड़ा आगे पीछे हो गया, कुछ लाइन ऊपर नीचे हो गई हैं, सिर्फ कुछ लाइन, तो ये बहुत रहता है क्योंकि ये पहली बार में हमको मिस्टेक में समझ में आया। तो अब हम अगली बार आएंगे ना इसको पूरी तरीके से सही तरीके से, अब इसमें हम दो मतलब जो भी चैप्टर है ना उनमें बहुत सारा कंटेंट ऐड करवाने वाले हैं, तो लगभग 150-160 पेजेस हो जाएंगे इस बार अब अगली बुक पब्लिश करवाएंगे तो, और 200 भी हो सकते हैं सेम पेज सेम बुक के, इसमें और भी ज़्यादा कंटेंट ऐड करवाने वाले हैं। तो जो भी हमने कट कर दिया था और थोड़ा एक्स्ट्रा बचा के रखा था कि जो भी मिस्टेक होंगी वो सब कुछ सुधारने के बाद इसमें और भी कंटेंट ऐड कर देंगे, फिर वो सेकंड एडिशन आएगा तो वहाँ से डबल मनी हो जाएगी हमारा, सेकंड एडिशन आ जाएगा, पर उसकी हम प्री लॉन्च प्री सेलिंग भी करेंगे, जो हमने पहले मिस्टेक की वो उसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको 500 कॉपी ही बनवानी है, एक बार 500 कॉपी बन गई तो आपका काम हो गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट एवरीवेयर, तो 10th है डिस्ट्रीब्यूट एवरीवेयर, तो इसका मतलब आपके गांव में आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी लाइब्रेरी हैं और लाइब्रेरी हैं वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करवाओ, ठीक है, कोचिंग्स में जाके अनाउंस करो, सेमिनार लो, ठीक है, और लाइब्रेरी में जाओ और नॉर्मल शॉप है उस पर जाके रखवा दो वो कुछ 10 स्टार्टिंग में 10 रखवा दो 20 रखवा दो, और लोगों को बोलो हे जैसे कि मैं बोलूँ कि हे हेलो वन पीपल माय बुक इन द लाइब्रेरी यू कैन गो एंड बाय दिस बुक, मतलब जो भी आपकी बुक है मैं ऐसे बोल सकता हूँ, हेलो गाइस अगर आप गुनाह में हो और मेरी बुक को बाय करना चाहते हो तो और एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो आप जा सकते हो कि कदम
शांति निकेतन लाइब्रेरी, वहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हो और आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा आप जाके, और मेरी सिग्नेचर करके आपको बुक मिलेगी। जाके जाइए और बुक को बाय कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। बस ऐसे करके लोगों को बता भी सकते हो, तो वहाँ से भी आपकी बुक सेल होंगी और जो बाहर के लोग हैं वो ऑनलाइन करेंगे, और ज़्यादातर स्टार्टिंग में ऑफलाइन लोग ही बाय करना चाहेंगे क्योंकि एक बार वो देख लेंगे और उससे ट्रस्ट आ जाएगा, तो इससे आप ऑटोमेटिकली आपके बड़े लेवल पे बुक सोल्ड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यूट्यूब के लिए अपन थोड़ा थॉट कर लेंगे। यूट्यूब पे आपको कंटेंट मिलेगा लगभग ढाई घंटे का आपको कंटेंट मिल जाएगा, और जो भी डेढ़ घंटे एक्स्ट्रा रहेंगे तो इसमें जो भी डेढ़ घंटे एक्स्ट्रा रहेंगे वो आपको सिर्फ इसी वर्कशॉप में, अभी जो लाइव चल रही है सिर्फ इसी पे आपको वो डेढ़ घंटे मिलेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट है हाउ टू सेल योर बुक्स, अपनी बुक को कैसे सेल करना स्टार्ट करें, तो ये लास्ट पॉइंट है इसका। ठीक है, तो इसको अपन 15 से 20 मिनट में सॉर्ट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो भी मैन है, जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सिर्फ अपन करेंगे। क्वेश्चन आंसर की जो भी क्वेरीज रही, एक घंटे डेढ़ घंटे तक सिर्फ अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, मैं और आप। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप मुझसे बाहर पूछना, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। ठीक है, तो आगे लास्ट पॉइंट डिस्कस बात कर लेते हैं, हाउ टू सेल योर बुक्स। ठीक है, डिसाइड हु विल रीड योर बुक। फर्स्ट तक आपकी किस टाइप की, फर्स्ट जब आपको सेलिंग करना है तो उससे पहले आप वो डिसाइड करना कि आपकी बुक कौन पढ़ेगा, हु विल बी योर रीडर। आपकी बुक कौन पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, और कॉमिक बुक बच्चे के लिए है, टीनेजर्स के लिए है, ठीक है, यंगस्टर के लिए है वो आपकी, ठीक है। और अगर आपकी सेल्फ हेल्प बुक्स है तो वो आप कौन पढ़ेगा, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस में है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, जो सेलिंग से रिलेटेड है, जो बिजनेस कर रहा है, या फिर कोई मिलियनर है, मल्टी मिलियनर है, या कोई वो लाइफ में मिलियनर बनना चाहता है, या फिर कुछ बड़ा करना चाहता है आपकी लाइफ में, तो वो उस कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और आपकी डिटेक्टिव से रिलेटेड वीडियो है तो जो वही बुक पसंद करेंगे जो डिटेक्टिव से रिलेटेड वीडियो देखते हैं या मूवी देखते हैं या उससे रिलेटेड कंटेंट रहेगा वो ही देखते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ओके, अगर एक बात पे चलते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन आपकी बुक पढ़ने वाला है। अगर आपका ये क्लियर रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली आपकी आने पड़ जाएगी बात। ओके, सेकंड, फिगर आउट व्हाट योर कम्युनिटी डज, ये भी बात कर दो, जो आपके रीडर हैं वो बुक क्या करते हैं, इसका बात को भी देखो। अगर वो स्टूडेंट हैं, देखो अगर आपकी बुक की प्राइस है $10, अगर आप बुक की प्राइस रखते हो, कॉमिक्स बुक की $10 प्राइस रखोगे ना, तो इंडिया में देखो मान के चलो आप $10 प्राइस रख रहे हो, 700 से 800 रुपये, तो हर एक बंदा बाय नहीं कर पाएगा। इस बात को देखो, अगर स्टूडेंट है, आप कॉमिक बुक स्टूडेंट ही बाय करते हैं मेनली। ठीक है, तो अगर आपकी बुक की प्राइस $2 से $5 रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली हर एक स्टूडेंट बाय कर लेगा। ठीक है, क्योंकि वो पापा से बोल कर भी करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट खुद ही बाय करते हैं, टीनेजर रहते हैं वो, जिनके पास इतनी पॉकेट मनी मिल पाती $5, $2, $3, अगर आपकी कॉमिक बुक है तो वहाँ पे आप इस बात को ध्यान रखें कि आपकी बुक की प्राइस उसी तरीके से सेट करें। अगर आप देखो जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड बुक है आपकी, तो आप उसकी प्राइस रखते हो $10, $20, $15 जो भी बुक रख सकते हो, क्योंकि मेनली लोग उस तरीके की बाय करते हैं, वो लोग बिजनेस से रिलेटेड रहते हैं वो बाय करते हैं, और उसकी आपकी बुक की प्राइस $100 भी होगी ना तो भी बाय करते हैं। अरे मैंने अरे कुछ कुछ बुक हैं मैंने देखी, उनकी प्राइस लगभग $1,000 बुक की प्राइस, $100 बुक की प्राइस। तो इस बात का ध्यान मत रखना, बुक की प्राइस आपकी अगर आपकी बुक वैल्यूबल है, अगर सुपर कंटेंट है, बिजनेस से रिलेटेड सेल्फ हेल्प बुक है, तो आप बाय कर सकते हैं। अगर आपकी बुक डिटेक्टिव से रिलेटेड है, कॉमिक्स बुक है, साइंस फिक्शन बुक्स है, तो वहाँ पे आपको $10 से मिनिमम ही प्राइस रखनी होगी, क्योंकि उस तरीके की आपको पता ही होगा आपकी कम्युनिटी को पॉइंट करना होगा ना, किस तरीके की कम्युनिटी है वो ही बाय करेंगे, उस तरीके की कम्युनिटी ही बाय करेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो आपकी कम्युनिटी डिसाइड करेगी आप
आपकी बुक की प्राइस क्या होगी, मतलब आप डिसाइड करोगे, पर कम्युनिटी के हिसाब से रखोगे ना तो आपकी बुक के चांस हैं ज़्यादा सेल्स आउट होने के, अगर सही तरीके से आप प्राइस रख पा रहे हो आपकी बुक की। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा अगर आपकी कॉमिक बुक है तो $2 से लेके $5 तक आप प्राइस रख सकते हो। ठीक है, और ये सारी $2 से लेके $10 तक आप कर सकते हो, और आपकी साइंस फिक्शन और ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। अगर आपकी वो बुक है जैसे कि सेल्फ हेल्प बुक, मोटिवेशनल इंस्पिरेशन कंटेंट, हाउ टू बिकम मिलियनेयर, तो आप उस बुक की प्राइस रख सकते हो $10 से लेके $5 से लेके, मैं बोल रहा हूँ $5 से लेके आप उसकी $100 $1000 जो भी आप रखना चाहो। और आपको उस तरीके बायर भी चाहिए, ठीक है, उसके लिए थोड़े आपको एड्स भी करने होंगे, थोड़ी मेहनत भी करनी होगी। पर पहली बुक की मैं आपको यही बोलूँ कि आप पहली बुक की प्राइस $2 से लेके $10 के बीच में ही रखें। ठीक है, अच्छा, थर्ड, टॉक टू द पीपल डोंट बी शाय, देखो शर्माओ मत अपनी बुक को प्रमोट करने में, लोगों से बात करने में, डोंट बी शाय, शर्माओ मत आपकी बुक को प्रमोट करने में, बात करने में, बात करो, नॉर्मली बात करो, वो क्या कर रहे हैं उनकी लाइफ में और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर करके रखो। ठीक है, आगे तो मैं इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट करता हूँ जल्दी, तो क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, जितनी अर्जेंटली हो सके वो काम अर्जेंसी क्रिएट करो, और आपकी बुक में अर्जेंसी होगी तो ऑटोमेटिकली लोग बाय करेंगे, क्योंकि अगर आपकी अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाओगे तो बुक की सेल्स बुक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कलेक्ट टेस्टिमोनियल, जितने भी आप बुक दे चुके हो फिर कुछ फ्री बुक देंगे, स्टार्टिंग में 5 से 10 फ्री बुक देना और उनकी टेस्टिमोनी कलेक्ट करना, और फिर उसके बाद जितने भी बुक सोल्ड आउट हो रही ना उनसे मैनली बोलो टेस्टिमोनी कलेक्ट करो और उसके एड्स रन करना चालू करो। ठीक है, 7th, रन फेसबुक एड्स, जो भी जितने भी हो सके उतने फेसबुक एड्स रन करो, स्टार्टिंग में आप स्टार्ट कर सकते हो ₹1000 से, पर धीरे धीरे करके बजट बना चालू करो, क्योंकि आपकी मनी अर्निंग होती जाएगी, जितनी ज़्यादा बुक सोल्ड आउट होंगी उतना ज़्यादा आप अर्न कर पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, फेसबुक एड्स, इंस्टा एड्स, गूगल एड्स, तो इसमें देखो अगर स्टार्टिंग में आपको वो क्या करना है, आपकी बुक की टेस्टिमोनी बनानी है, देखो मैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल अपुन सिंह और ये मेरी बुक है हाउ टू बी क्यूरियस, आपको इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, 5 रीजन टू बाय, डू यू वांट टू बी मोर फिजिकल फिट, अगर आप और भी ज़्यादा फिजिकल फिट करना चाहते हो और आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हो, या फिर आप आपकी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हो, या फिर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, या फिर ज़्यादा काम करना चाहते हो कम समय में, तो आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो बुक बाय करने के लिए स्वाइप अप करें, तो ऐसे करके आप आपकी बुक की सेल्स डबल कर सकते हो। ठीक है, और ठीक है, ऐसे करके आप आपके रिकॉर्ड करके एड्स रन करना चालू कर सकते हो आपके सोशल मीडिया पे, जितने भी हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक चीज़ पे एड्स रिकॉर्ड करो, एड से आप इंस्टेंटली आपके पास सेल्स आना चालू करेंगे। ठीक है, एड्स सो वैल्यू ऑफ योर बुक, आपकी बुक क्या कर सकती है उसकी वैल्यू बताओ, जब तक वैल्यू नहीं होगी पता तब तक लोग बाय नहीं करेंगे, उनको $2 $5 भी बहुत महंगी लगेगी जब तक उनको वैल्यू पता नहीं रहेगी। ठीक है, फर्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप्रोच देम ऑन देयर लेवल, जिनकी जितनी औकात हो उनको उतने हिसाब से बताओ, अगर आदमी को इंग्लिश नहीं आती तो आपकी बुक पिंच मत करो, अगर आपकी बुक इंग्लिश में है। मैं मेरे गांव में रहता हूँ, ठीक है, अभी मैं मेरे गांव में हूँ जो, ठीक है, तो अभी मैं किसी को भी मेरी गांव में मेरी बुक को बाय करने की बोलूँगा लोगों से, तो वो कभी भी बुक बाय नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको इंग्लिश आती ही नहीं, जो भी जैसे कि सावड़ा, मतलब सावड़ा बढ़िया है, गुना सुगनार में, गुना सुगनार के जो भी लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, मैं उनको क्यों पिंच करूं, उनको आती नहीं वो क्यों पढ़ेंगे, जिनको इंग्लिश आती है और इसकी वैल्यू है तो मैं उनको बताओ कैसे लाइफ चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो उनकी जितनी भी लाइफ चेंज कर सकती है, तो उनके हिसाब से बात करो और उनके हिसाब से उनको टारगेट करो, हिंदी में तब अपन टारगेट करेंगे जो भी हिंदी बोलते हैं।
बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं और अपन क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप तक ये सारी हो चुकी हैं बातें कंप्लीट, ठीक है, अब अगर आप 1-to-1 प्रोग्रामिंग, 1-to-1 प्रोग्रामिंग बात बता देता हूँ मैं कि अगर आप इफ़ यू वांट मी एस योर मेंटर टू गाइड यू टू राइट योर बुक फ्रॉम A to Z, मैंने हर एक चीज़ में बता दी, अगर आप चाहते हो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँ, पर्सनली आपको हर एक लेवल पे हेल्प करूँ, पर्सनली आपको हेल्प करूँ आपकी बुक को राइट करने से लेके कंप्लीट करने तक, तो आप एनरोल कर सकते हो हमारे कोच, मतलब हाउ टू बिकम अ ऑथर कोच में। अरे यार, आप हमारे कोर्ट में एनरोल कर सकते हो 1-to-1 काउंसलिंग, ठीक है, हाउ टू बिकम अ कोच, हाउ टू बिकम अ ऑथर, ठीक है, हाउ टू बिकम अ ऑथर में 1-to-1 प्रोग्राम है। इसमें मैं एक साथ लोगों को कभी भी ट्रेन नहीं करता, इसमें पर्सनली सजेस्ट करता हूँ उसमें 1-to-1 होगी, जितनी भी कन्वर्सेशन रहेंगी वो मेरे और आपके बीच में रहेंगी और थर्ड पार्टी कोई भी उसको नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, गाइड करूँगा इसमें छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी बात तक, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी अपन बात के करेंगे इस सारे टॉपिक पर, और ठीक है, तुमको मैं यूट्यूब से ए से लेकर जेड तक मैं आपकी बुक पब्लिशिंग तक कंप्लीट करने तक हर एक चीज़ बात कर बताऊँगा, ठीक है, आप कैसे आपकी बुक पब्लिश करवा सकते हो। तो ये सब मैंने था, मैंने आपको बताया, बहुत शानदार शो रहा, बहुत शानदार मास्टर क्लास रहे, ठीक है। तो अब आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इधर तो मैं इसमें देखूंगा, ठीक है, तो अब आपसे आई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, मैं आपके क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है, तो ओके, तो अब आपके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ओके ओके पूछो। सोनी सोनी पूछ रही है कि क्या मुझको मेरी क्या बुक को लिखने के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए क्या? बुक लिखने के लिए आपको कोई अथॉरिटी नहीं हो, देखो मैं आपको बताता हूँ, बुक लिखने के लिए आपको देखो जो भी आपको पढ़ा है जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लिख सकते हो। आप कोई ऐसा तो लिख रहे हो कि मेडिकल की फील्ड में लिख रहे हो, आप कॉमिक बुक लिख रहे हो उसके लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए? उसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको कंटेंट होना चाहिए वैल्यू हुए, ठीक है। अभी अपन रिसेंटली कोई 14 या 15 साल का है बच्चा, उसने अपनी फर्स्ट बुक लिखी है, 12 साल का है सांझी, अमेरिका का एक बच्चा है 12 साल का, उसने अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी और वो बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गई और वो वहाँ से रुपए कमा रहा है, उससे कमा रहा है बुक, ठीक है। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप 14 साल के हो तो भी आप लिख सकते हो और 50 साल के हो तो भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई MBA नहीं करना है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, ISBN नंबर को कैसे अप्लाई? अरे मैंने बताया यार, ISBN नंबर को आप YouTube पे देख लो, हाउ टू अप्लाई फॉर ISBN नंबर, और उसके लिए सिर्फ आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड चाहिए, ठीक है, ओके, और आपका नेम और आपकी बुक के फ्रंट और बैक कवर पेज, ठीक है, ओके। मैंने मेरी बुक कब पब्लिश करवाई? अच्छा चलो ठीक है, मैंने मेरी बुक पब्लिश करवाई थी, 2 महीने हो चुके हैं इस बुक को, ठीक है। हाउ मच मनी यू आर मेकिंग फ्रॉम योर बुक? अरे ज़्यादा नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, पर ठीक ठाक, मतलब एक स्ट्रीम ऑफ इनकम हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट मंथ पे लगभग उससे अर्निंग हुई थी 5,000 और इस मंथ पे 10,000 और इस मंथ का आने वाला है जो अगले मंथ स्टार्ट हुआ है उसका पता चलेगा कब आएगा, ठीक है। 1-to-1 प्रोग्राम की प्राइस क्या है? अच्छा भैया, हाउ टू बिकम ऑथर प्रोग्राम की कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है,
ठीक है, उसकी सिर्फ 10,000 रुपये प्राइस है। उसमें सब कुछ सिखाया जाएगा, आपकी बुक कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि आप कैसे आपकी बुक लिखोगे, हर एक चीज़ मैं आपको वन टू वन प्रोग्रामिंग दूंगा। और इसकी ज्यादा प्राइस नहीं, 10,000 रुपये प्राइस है, ठीक है। आपकी बुक भी तो पब्लिश हो गई है भाई साहब, आप संतोष जी 10,000 रुपये तो हमें दे दें और हम बुक कंप्लीट कैसे करेंगे। संतोष जी बोलना है 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, कम रुपये करो भाई साहब, तुम्हारी बुक भी तो कंप्लीट हो रही है, तुम्हारी बुक भी तो कंप्लीट हो रही है, ऐसे ही थोड़ी तुम ऑथर बन जाओ भाई साहब, तुमको भी सीखने बोले। तो मैंने अगर आप मेरे बिना, मैं आपको यहाँ पे बुक मेरा कहते हैं कोर्स पिंच करने के लिए यहाँ, अगर आपको मैंने जितना भी बता दिया आप उसको फॉलो करोगे ना तो भी आप आपकी बुक को लिख लोगे आराम से, एक साल में कंप्लीट कर लोगे। अगर आप जल्दी करना चाहते हो, 2 से 3 महीने में आपकी बुक कंप्लीट करना चाहते हो, और जो गलती मैंने नहीं की, जो मैंने बहुत सारी गलती की और बहुत ज़्यादा मेरे मतलब लव लव आई स्पेंड 1,35,000 मतलब जीरो से लेके एंड तक, जब मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया था उस प्रोसेस में एंड तक जाते जाते मैंने इतना रुपये खर्च कर दिया, ठीक है। तो अगर आप मेरी यहाँ हो ना, तो अगर आप मेरे अभी कर्ज हो गए जितना मैंने रुपये खर्च किया ना, मैं आपको गारंटी लेता हूँ सिर्फ 35 से 40,000 रुपये 35 से 50,000 रुपये के बीच में आपका सब कुछ करवा दूँगा मैं, बुक का हर एक चीज़ से लेके। और पब्लिशिंग हाउस से भी करते हो या फिर सेल्फ पब्लिश्ड भी करते हो तो आपकी बुक का हर एक चीज़ काम हो जाएगा A to Z, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पर मैं मेरी गाइडिंग के ले रहा हूँ, मेरी कंसल्टिंग के ले रहा हूँ 10,000 रुपये, तो मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा जो मैंने गलती की और आप कैसे आप एक ऑथर बन सकते हो, और आप कैसे आप एक ऑथर बन सकते हो, ठीक। कोई 10,000 बड़ी बात नहीं है, मैंने जो जितना गलती की उससे अच्छा जो वो ही रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं खुद रिव्यू करूँगा आपकी बुक का, इंस्टाग्राम पर भी डालूँगा, मेरे यूट्यूब पर भी डालूँगा। और मैं आपको बुक को पब्लिश करने से पहले मैं आपकी खुद बुक को एक बार पूरा पढ़ूंगा कि जहाँ पे क्या मिस्टेक है क्या नहीं है। तो ये मान लो रिव्यू के ही रुपये ले रहा हूँ मैं 10,000 रुपये आपसे, तो यही समझ लो, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन चैट में लिखो। ओके, प्रोग्राम के बारे में कैसे एनरोल कर सकते हैं? अरे भाई साहब, तुम उसको डायरेक्ट मैसेज करो, आप मेरे नंबर पर कॉल करो 6261608037, आप मुझको कॉल करो, और या फिर ये नंबर है, मेरी टीम आगे टीम बात करेगी, टीम को बात करने के बाद फिर मैं आपको बात करूँगा, और पर्सनली जो भी होगा आपका कैसे, सिर्फ मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूँ कि कैसे इस प्रोग्राम में एनरोल करना है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट आप 6261608037 नंबर पर कनेक्ट कीजिए, मैं आपको हर एक चीज़ बता दूंगा, ठीक है। तो और भी बता दूँ तो उसमें सिर्फ 10,000 प्राइस है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप फोन पे भी कर सकते हो, ठीक है, आप गूगल पे भी कर सकते हो, आप जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप UPI के थ्रू भी कर सकते हो, जो भी पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है। मेरे फ़ोन पे भी कर देना 6261608037, और मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज दे देना, स्क्रीनशॉट दे देना, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, कैसे वन टू वन कोचिंग में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वायरी हो, आप कमेंट बॉक्स में आपका नंबर डाल दें या फिर आप मेरे नंबर पर कॉल करें, ठीक है। 6261608037 ये बोर्ड लाइन नंबर है, इस पर कॉल कीजिए, बता आपको सब कुछ जवाब मिल जाएगा जितना भी आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, कितना टाइम लगेगा बुक को पब्लिश करने में, ठीक है। अगर आप खुद से पब्लिश करते हो विदाउट टेकिंग कंसल्टिंग बाय मी, तो आपको मैं ये बोलूँगा कि अगर आप सही से मेहनत करते हो, जो जो मैंने बताया टू द पॉइंट जाते हो, ठीक है, तो आप आराम से 6 महीने से 1 महीने 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर आप आराम से बुक पब्लिश कर लोगे, ठीक है।
पर अगर आपको जो देखो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे हो जाता है कि हमको कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोई भी सॉल्यूशन आ रहा है, तो उसका क्या रहता है कि हम टेंशन में आ जाते हैं, अरे इसके बाद क्या होता है, अरे इसके बाद कुछ आई नहीं रहा, क्या करें, चलो छोड़ो, कुछ हो गई बुक लिखी लिखाई, अपने बस की बात नहीं है बुक लिखना। तो स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा जुनून होता है, पर एट द एंड ऑफ द डे आते 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 सब कुछ दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं सोच रहा था मेरी बुक लिखने के लिए 3-4 साल से, पर मैं भी उसको उस लेवल पे कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है। पर फिर मैंने सोचा कि अरे भाई साहब ऐसा ऐसा है, और फिर मुझको भी मेरी बुक को पब्लिश करने में, बुक कंप्लीट करने के बाद बुक मुझको बुक लिखने में एक मतलब रॉ फाइल कंप्लीट करने में एक महीना लगा, पर उसको एडिट और कंप्लीट करने में, एडिटर लेके चेक करवाने में, कंप्यूटर लेने में 2 महीने लगे, 3 महीनों का, ठीक है, और फाइनल टच देने में बुक को तो 3 महीने लग गए। पर आप उनसे चेक करवाओ, रिव्यू दिवाओ, ठीक है, रिव्यू लो उनसे, मैं अरे भाई साहब जो भी ऑथर रहते हैं ना, करीबन करीबन बुक रिव्यू करने के 5 से लेकर 10 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं ग्राम, फिर कहते हैं उसके बाद ट्रांसलेटर रहते हैं ना, बहुत उनसे देखो ट्रांसलेटर रहते हैं, वो अलग से रुपये चार्ज करते हैं, 5,000-10,000 रुपये आपकी बुक को चेक करने के रुपये लेते हैं वो, जैसे कि आपकी बुक में जो भी मिस्टेक वगैरह हो, ग्रामर मिस्टेक या फिर वो अलग से रुपये चार्ज करते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके आपका एडिटर अलग रहते हैं, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर अलग, ठीक है, और जो टेबल बनवाते हैं वो अलग, तो ऐसे करके बहुत कुछ रुपए खर्च हो जाता है। तो मैं यही बोलूँगा कि आपसे कि आप फ्रस्ट्रेशन देखो, अगर आप जो मैंने बताया ना, अगर आप मोटिवेट रह के इंस्पायर्ड हो के जो मैंने बताया वो फॉलो कर सकते हो ना भाई साहब, उसके लिए जाओ। अगर आपके पास रुपए हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो कनेक्ट करो अपन से, बोर्ड नंबर कहते हैं बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करो, 6261108037 कॉल करो और बात करते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम वर्किंग इन अ जॉब, कैन आई राइट अ बुक? हर एक बंदा बुक लिख सकता है। आप जॉब में काम कर रहे हो तो आपको 1 घंटे ही निकालना है, आधा घंटा निकालना है। अगर आप कंसल्टिंग की कोचिंग के हिसाब से करोगे ना, आप आराम से 3 से 6 महीने के अंदर और जल्दी ही आपकी बुक कंप्लीट कर पाओगे, और 1 महीने के अंदर कर पाओगे आपकी बुक कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब YouTube के लिए इतना ही, पर अपन पर्सनली कनेक्ट करते हैं। ये इतना जो भी आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ YouTube पे अपलोड करने वाले हैं, तो इसको यहीं पे अपन ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट हों वो आप कल भी बात कर सकते हो, टुमारो, ठीक है, आप कॉल कर सकते हो, या फिर आपके जो भी डाउट हों पर्सनली अगर मुझसे पूछना चाहते हो, आपको यहाँ पर शर्म लग रही है, इफ़ यू आर फीलिंग शेम ऑन टॉकिंग हियर, आपको यहाँ पर बात करने में शर्म लग रही, तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो, 6261608037। आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। और देखो, हाउ टू बिकम ऑथर, इस प्रोग्राम का चार्ज है 10,000 रुपये, और ये 1-to-1 कोचिंग है। मैं एक साथ 50 लोगों को शेयर नहीं करूँगा, मतलब जो भी अपने बीच बात रही, जो भी आपकी प्रॉब्लम रही, मैं उसको उनका पर्सनली सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं 50 लोगों को आपके साथ ट्रेन करूँगा, ठीक है, सिर्फ मैं और मेरी और आपकी कन्वर्सेशन रहेगी, डेली बात करें 5 से 10 मिनट, ठीक है। और जो भी आपकी संडे को एक बढ़िया पर्सनल परमानेंट क्लास रहेगी आपकी, एक से डेढ़ घंटे की, जो भी आपको डाउट आएंगे वो वहाँ पे सॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीज़ें वो सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है, इस प्रोग्राम में। तो मैं आपको तो बोलूँगा कि इतना यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, और इसको यूट्यूब पर शेयर करना, ठीक है, और जो भी आपने नहीं देख पाया वो उसको देखना, जो जितना भी आपने जो भी आपका पुराना रह गया था, जितना भी एडिटिंग से लेके हर एक चीज़ से लेके पब्लिशिंग से लेके कैटेगरी चूज़ करना है, बुक को पब्लिश करना है, बुक को सेल करना है, हर एक चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। आप जाके चेक कर सकते हो यूट्यूब पर, अगर आपने कुछ भी आपने भूल कर दी, ठीक है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वो वोट लाइन नंबर दिए जा रहा है उस पर कॉल करो, 6261608037। आप सबसे मिलते हैं कल, और अगर आपको जो भी पर्सनल डाउट हो
मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, मैं आपको डाउट को कॉल क्लियर करूँगा। आपको मैंने नंबर बताया भी दिया है, जाके कॉल कीजिए। और कल क्लास है 30 मिनट की, जो जितने भी आपके डाउट हों आप सारे डाउट लिख लो, मैं आपके क्लियर करूँगा। पर इसके बाद ये मास्टर क्लास आपको कभी भी नहीं मिलेगी, ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम की है। और इसके बाद हम इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, जब भी आपको देखना हो यूट्यूब पे देख लेना। ठीक है, बाय।